रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है लास्ट वाली। अच्छा लास्ट लास्ट में मैं तुमको बताया था कहां तक, ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या था याद है? रेक्टिफाई करता था, ठीक है ना, जो तुम्हारा मोर देन वन डायरेक्शनल करंट थी, एक मान लो की से क्यू जा रही है तो क्यू से पी जा रही है, इसको यूनि डायरेक्शनल करंट में चेंज कर। ध्यान देना ये डीसी में नहीं करता, डीसी डीसी क्या होगा तुम्हारा, उसका मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट होता है। अरे ठीक है ना, उसके लिए हम क्लिपर क्लैंपर यूज करते हैं, एक और सर्किट होता है उससे हम उससे थोड़ा ऐसा सर्किट आता है, लगभग डीसी आता है। अब देखो एक बात मैंने बोली थी तुमको कि हम सेमी कंडक्टर क्यों यूज करते हैं, कंडक्टर क्यों नहीं यूज करते, बताया था ना शुरुआत में, और मैंने बताया था चैप्टर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। सोचो क्या कंडक्टर से तुम्हारा रेक्टिफाई हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था ना, वो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर, दोनों डायरेक्शन में अलाउ करता, कोई दिक्कत ही नहीं थी उससे। अरे ठीक है, तो जहां पर तुम सेमी कंडक्टर यूज कर पाते हो वहां पर कंडक्टर यूज नहीं कर सकते। अरे ठीक है, कहां थे? अच्छा आज बच्चों पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना, इनको कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स या शॉर्ट फॉर्म में बीजेटीज, या कभी कभी सिर्फ जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोल देते हैं। बाइपोलर क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी पोलैरिटी एक की पॉजिटिव होती है एक की निगेटिव। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका साइन क्या होता है, अपोजिट, ठीक है, चार्ज कैरियर्स का साइन क्या होता है तुम्हारा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको बाइपोलर। बनाते कैसे बच्चे, देखो अभी जो तुम्हारा ट्रांजिस्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी तुम्हारा जैसे फोन भी चल रहा है तो मेमोरी की चल रहा है, मेमोरी भी एक चिप है, तुम्हारा प्रोसेसर भी एक चिप है। अरे ठीक है ना, तो हर चीज चिप से चल रहा है, ओके। और चिप कैसे वर्क करती है, एक छोटी सी चिप पर बिलियन से आप ट्रांजिस्टर, बिलियन बोल रहा हूँ, मिलियन भी नहीं बोल रहा, ठीक है ना। असल में होता क्या है कि जो तुम स्टोर करते हो इन्फॉर्मेशन वो जीरो और वन के फॉर्म में करते हो, ओके, यही होता है बिट्स, बाइनरी, ओके। अब ये कहां स्टोर रहती है, ट्रांजिस्टर में। अरे ये इन्फॉर्मेशन कहां रहती है स्टोर, ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर में एक सर्किट होता है, जब तुम अगर मान लो गलती से इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो ग्रेजुएशन में, तो वहां पर आता है लैच, आता है लैच, और एक आता है फ्लिप फ्लॉप, चप्पल की बात नहीं कर रहा हूं, तो सर्किट होता है, ओके। तो यहां पर क्या होता है, इसमें तुम स्टोर करते हो इंफॉर्मेशन जीरो और वन, और ये किसके बने होते हैं, ये लॉजिक गेट के बने होते हैं, और लॉजिक गेट किसका बना होता है, ट्रांजिस्टर का, हाँ ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का होता है, लॉजिक गेट किसका होता है तुम्हारा, ट्रांजिस्टर का होता है। तो ट्रांजिस्टर से सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं आईआईटी में था तो वहां पर एक बॉक्स रखा था जो पहला ट्रांजिस्टर बनाता है, अभी तो जो एक छोटी सी चिप होती है, देखा होगा शायद ऐसा, उसमें अश्विनी वैष्णव है ना तुम्हारे मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी वाले मिनिस्टर, इंडिया में भी सेमीकंडक्टर के लिए काफी ज्यादा एफर्ट चल रहा है, काफी ज्यादा सरकार इंसेंटिव दे रही है कि यहाँ पर आकर प्लांट लगाए। अरे यार बीच में तुम्हारा 90% जो तुम्हारा चिप बनती है वो एक है फॉक्सकॉन, पता है, सुना है, सॉरी टीएसएमई, हाँ टीएसएमई बनाती है, जो अमेरिका चाइना को, सॉरी अमेरिका प्रोटेक्ट करता है ना ताइवान को, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर इंटरप्राइजेस, ठीक है ना, बहुत सिंपल नाम है, सही बोल रहा हूँ मैं। तो 90% सिर्फ यहीं से आती है, ठीक है, और
यूएसए ज्यादातर काम अपना आउटसोर्स कर देता है, तो जो पहले वहां पर बनती थी इंटेल वगैरह की चिप, बाद में कहां पर बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। बीच में कोविड की वजह से क्या हो गया था, सप्लाई चेन में काफी डिसरप्शन आ गया था, चिप वगैरह काफी महंगी हो गई थी, लैपटॉप वगैरह बहुत ही महंगे बिक रहे थे। मतलब जो मैंने खरीदा था वो कम से कम तुमको 20,000 में मिल जाता, वो मिल रहा 30,000 में, जो 30,000 का वो 50,000 मिल रहा था, क्योंकि उसमें डिमांड भी आया थी, सप्लाई भी क्या हो गई थी, कम हो गई। तो इंडिया में मतलब इसके लिए काफी जोर दे रहे हैं कि मतलब जो सेमी कंडक्टर है, चिप्स है, कहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि सब कुछ किसमें आपका आ रहा है, जॉब्स भी किसमें क्रिएट होंगी, इसी में फील्ड में क्रिएट होंगी। और अगर तुम्हारे पास चिप की टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ कर सकते हो, जैसी बात है, कोई भी हाईटेक चीज है उसमें चिप इन्वॉल्व होती है। कहाँ पर था मैं? अच्छा, जो ऐसे थोड़ी सी ऐसा स्ट्रिप होती है उसमें मिलियन सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, और ये बनाते हैं इसको ही हाथ से जोड़ते हैं, ठीक है ना, तुम्हारा लेजर से उसको इम्प्रिंट किया जाता है, मतलब नैनोमीटर के साइज का होता है, माइक्रोमीटर के साइज का होता है, ऐसा होता है। कभी देखा है तो ऐसे लैब कोट वगैरह पहन के जाते हैं, मतलब एक डस्ट का पार्टिकल भी नहीं जा सकता वहां पर, तो खराब हो जाएगा। अब मैंने बताया था, जब मैं गया था 90 पर, जब मतलब था पढ़ रहा था, तो वहां पर ऐसा ट्रांजिस्टर था, मतलब एक सिंगल ट्रांजिस्टर मैंने देखा, सिंगल ट्रांजिस्टर बड़ा सा, ठीक है ना, वो रखा था। अब जो तुम ट्रांजिस्टर अभी सिंगल नहीं मिलते तुमको, क्या मिलते हैं, चिप के फॉर्म मिलते हैं, मिलने सब ट्रांजिस्टर होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि इससे मुझे यहाँ पर आना पड़ा, जैसे मान लो एक क्या एक जीरो और वन से तुम इंफॉर्मेशन पूरा डेटा स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं, तुमको बहुत सारे जीरो और वन चाहिए। अरे चाहिए ना, बहुत सारे जीरो और वन चाहिए। अच्छा मान लो एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, तो मान लो तुमको इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, तो कुछ तो डेटा यहाँ से आ रहा है, कुछ डेटा यहाँ से आ रहा है। अच्छा अगर पाथ लंबा हुआ तो डेटा मान लो इनको ऐड सबट्रैक्ट भी करना है, तो इनके बीच भी कम्युनिकेशन होगा। तो अगर मान लो पाथ लंबा हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इन गिवन एरिया, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर क्या हो जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, तुम्हारा स्पीड क्या हो जा रही है, तुम्हारी बढ़ती जा रही है। अरे ठीक है ना, इसीलिए उनका जो लैब होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, बहुत ही आपका मतलब स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी होती है, ऐसे नहीं घर पर यहाँ पर ट्रांजिस्टर बना ली। अरे यही बात, सॉरी, समझ में आया। ट्रांजिस्टर्स का बेसिकली मैं रोल बता रहा था कि वास्तव में ट्रांजिस्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के सिलेबस से काट दिया गया, पता नहीं, मतलब जब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक ब्रांच होती है उसमें 4 साल ट्रांजिस्टर ही पढ़ाते हैं। देखिए हाँ, मेजोरिटी मतलब उसमें सेमीकंडक्टर ही पढ़ाते हैं तुमको 3-4 साल, और बहुत ही डीप में है। अब देखो ट्रांजिस्टर बच्चे बनते कैसे हैं, ठीक है ना, मैंने बाइपोलर की मतलब बता दी। ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, ट्रांसफर रेजिस्टेंस होता है, इनपुट का रेजिस्टेंस बच्चों कम होता है, आउटपुट का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है उससे कंपैरिजन में, इसीलिए बोलते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर रेजिस्टेंस। अरे ठीक है, नाम ही इसलिए आया तुम्हारा। ट्रांजिस्टर बनते कैसे हैं, क्या करते हैं हम, मान लो एक तुम्हारे पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना, उस क्या कर दो, एक और एन टाइप का ले आओ, और उसके बीच क्या कर दो, पी टाइप का इंसर्ट कर दो, सैंडविच कर दो, जस्ट लाइक दो ब्रेड के बीच में आलू, ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये ट्रांजिस्टर। क्या ऐसे करते होंगे, क्या कैसे करते होंगे, सोल्डरिंग से नहीं, एक ऐसा लेते होंगे प्योर मान लो सिलिकन, एक साइड क्या कर देते होंगे यहाँ पर एन टाइप, मतलब डोपिंग्स करते होंगे ना, एक साइड यहाँ पर एन टाइप, बीच में कर दे होते होंगे पी टाइप वाली, मतलब ट्राई वैलेंट कर देते होंगे यहाँ पर, पेंटा वैलेंट, पेंटा वैलेंट, अरे ऐसे बनता है। बट लिखते क्या है कि सैंडविच होता है, मतलब होता है, बट ऐसा नहीं कि अलग अलग चिपकाते हैं। अरे आई बात समझ, लिखो इसमें, एक मिनट, जंक्शन ट्रांजिस्टर इज थ्री टर्मिनल डिवाइस, जंक्शन ट्रांजिस्टर इज थ्री टर्मिनल डिवाइस, थ्री टर्मिनल डिवाइस विच इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग
which is formed by sandwiching a thin wafer, wafer मतलब पतली सी layer, ठीक है ना, by sandwiching a thin wafer, wafer मतलब WAFER, is formed by sandwiching a thin wafer, लिख लिया यार, okay, of one type of semiconductor, of one type, क्या है? वेफर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप, ठीक है, चलो हमारा ध्यान वहां पर है क्या, कौन, हेलो, कोई नहीं, ठीक है, देखो इनका यूज क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, बाद में अभी लिखाऊंगा, इसमें यूजेस क्या, यूज क्या होता है, अब देखो जो एम्पलीफायर वगैरह होता है, गाना भी सुना होगा, और एम्पलीफायर होता है, डिवाइस ही होती है, ठीक है, जो एम्पलीफाई करता है, तो उसमें क्या यूज होता है तुम्हारा, ट्रांजिस्टर ही यूज होता है, ओके, और तुम्हारा जैसे स्विचेस होते हैं, ये वाला स्विच नहीं, इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक का भी स्विच होता है, जस्ट लाइक मान लो कोई भी बिट है, ठीक है ना, वहां पर वन है, उसको जीरो करना है, जैसे बात है इसको स्विचिंग बोलते हो, ठीक है, वहां पर जीरो स्टोर उसको बंद करना है, क्या बोलते हैं उसको, स्विचिंग ऑपरेशन, तो ट्रांजिस्टर का अगर स्विच भी यूज करते हैं, ठीक है, एज एन एम्पलीफायर भी यूज करते हैं, और भी तरीके से यूज होता होगा, बट मेन दो पर्पस है, ये दोनों को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तुमको, ठीक है ना, तो यूज में लिख लो, यूज एज एम्पलीफायर एंड स्विच, यूजेस में लिख लेना, यूज एज एम्पलीफायर कॉमा स्विच, ठीक है, लिख लिया, अच्छा देखो अब मैंने बताया ना कि एक टाइप का सेमीकंडक्टर को दो अदर टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच हम सैंडविच करते हैं, दो ही टाइप है, या तो दो एन को ले लो एक बीच में पी डाल दो, या दो पी ले लो एक बीच में एन डाल दो, तो पहला बच्चों अगर मान लो ले लो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, types of transistors, पहले बच्चों PNP transistor, ठीक है, मतलब क्या है तुम्हारा, दो P type के बीच में क्या होगा, एक N type होगा, ठीक है, अगर मैं साइज उसका बनाना ठीक से जो बना रहा हूं, देखकर क्या लग रहा है सबसे बड़ा कौन है तुम्हारा, ये वाला कि ये वाला, राइट वाला, सबसे छोटा ये वाला है, ये इनके बीच में, इसको बोलते हो बच्चों एमिटर, इसको क्या बोलते हो, बेस, अभी बताऊंगा क्या फंक्शन है, और इसको बोलते हो कलेक्टर, अभी ईबीसी लिख लो, अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, ठीक है, लिखो इसमें, ए एन पी एन ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाई एन टाइप, सॉरी पी एन पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर,
पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग थिन लेयर ऑफ पी टाइप इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग थिन लेयर ऑफ पी टाइप इनटू टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ए पीएनपी ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग ए एन टाइप ट्रांजिस्टर बिटवीन उल्टा लिख बोल दिया क्या मैंने सॉरी बाई सैंडविचिंग ए एन टाइप से अरे एन और पी करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर्स अरे ठीक है देखो बच्चों करंट का जो फ्लो होता है अच्छा ये सिंबल थोड़ा ये सिंबल नहीं ये तो रिप्रेजेंटेशन है मतलब एक टाइप का डिवाइस कह लो ऐसा दिखता है इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है ये है तुम्हारा एमिटर ये है तुम्हारा कलेक्टर और ये है तुम्हारा बेस देखो करंट की डायरेक्शन बच्चों हमेशा किधर होती है पी से एन की ओर तो ये तुम्हारा एन टाइप है ये क्या तुम्हारा पी टाइप है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी पी से ये पी है ना पी से ऐसा दिखाते हैं बेस और एमिटर के बीच बेस और एमिटर के बीच दिखाते हैं यार ये कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार अच्छा ये पी है ना तो ऐसे होगी अरे ठीक है पी कौन है तुम्हारा ये एमिटर एमिटर से बेस ओके ऐसा हो लिख लिया अब एनपीएन वाले में कुछ सिर्फ लिख लो वैसे मतलब कुछ लिखना नहीं उसमें सिर्फ सिंबल बना दो एनपीएन देखो बच्चों ज्यादा पॉपुलर जो है तुम्हारा वो एनपीएन है ना कि पीएनपी इसीलिए बार बार मेरे दिमाग में वही आ रहा था ज्यादा पॉपुलर कौन है तुम्हारा एनपीएन सोच के बताओ क्यों एक चीज मैंने लिखवाई थी याद है अभी समझ में आ जाएगा जो वास्तव में मेजॉरिटी जो कैरियर्स होते हैं ठीक है ना एन टाइप में कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में क्या होंगे होल कंडक्टिविटी की मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की तो वो ज्यादा फास्ट होता है ठीक है ज्यादा हम क्या यूज करते हैं एनपीए ओके पीएनपी बहुत कम यूज होता है ऐसा नहीं कह रहा यूज नहीं होता बहुत कम यूज होता है तो डायरेक्शन बच्चों किधर होगी बताओ इस केस में ऐसा होगी ना ऐसा ठीक है लिख लिया तो आज ये हमें इसको छोड़ करके तुम्हारा बोर्ड भी खत्म हो जाएगा ठीक है कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है लॉजिक गेट भी नहीं है ठीक है नहीं है ना शायद मोस्ट ऑफ नहीं है बोर्ड्स में नहीं है तो बोर्ड का भी आज खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये हमें इसको छोड़ करके छोटा सा आज का
यही ना लो बच्चों, नोट में ऐसा है, एक मिनट, एक नोट में लिख लो पॉइंट, वैसे तो मैंने बता दिया है बट फिर भी लिख लो। डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स फ्लो ऑफ करंट, तो अभी बाद में पढ़ोगे ना, अभी तो आ जा रहा याद है काफी कुछ, बाद में पढ़ोगे तो मिस हो जाता है बहुत कुछ। डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन। ओके, टर्मिनल्स के बारे में बच्चों पढ़ लेते हैं। पहला टर्मिनल कौन सा है, एमिटर, फिर बेस है, फिर क्या है, कलेक्टर। तो यही डाल लो टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर। पहला है बच्चों क्या है तुम्हारा, एमिटर। नाम से क्लियर है, बहुत सिंपल नाम रखते हैं। एमिटर मतलब क्या करता होगा, ये एमिट करता होगा, क्या एमिट करता होगा, चार्ज कैरियर से एमिट करता होगा। अरे ठीक है, लिखो इसमें, इट इज हैवली डोप्ड एमिटर ई, इट इज हाईली डोप्ड, डोपिंग काफी हाई होती है, इट इज हाईली डोप एंड मॉडरेट, एंड ऑफ मॉडरेट साइज, एंड ऑफ मॉडरेट साइज, न बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, इट एमिट्स मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स इनटू बेस, इट एमिट्स मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स इनटू बेस By which current flows? By which current flows in transistor? By which current flows in transistor? रिश्ते गुड़ का तुमने खाया है? कौन सा? आज बोला है। दूसरा बेस। बेस बी, ठीक है ना, बेस क्या था बच्चों, बहुत पतला था। ठीक है ना, अब इसका रीजन भी क्यों पतला होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई फालतू के रीजन के साथ ना इंसाफी हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये काफी लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है ना, इसका रीजन क्या होता है, मैं जो बेस करंट है वो लो रखना चाहता हूँ, सिंपल सा रीजन यही है। बेस करंट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, उसका भी रीजन है, एम्पलीफिकेशन पढ़ोगे तो काम में आएगा। अरे ठीक है, तो लिखो, बेस रीजन इज वेरी लाइटली डोप्ड एंड थिन, बेस रीजन इज वेरी लाइटली डोप्ड एंड थिन, ओके, सो मोस्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो एमिटर एमिट करता है बच्चे, देखो ये है तुम्हारा, क्या था तुम्हारा एमिटर, ये क्या था तुम्हारा बेस, ये क्या था कलेक्टर। तो एमिटर जो एमिट करता है, मेजोरिटी क्या होंगे तुम्हारे, अगर ये पतला है, देखो है क्या, ये मान लो एन है बच्चों, ये एनपीएन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर ये, यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर क्या होंगे, होल होंगे। अगर ज्यादा कर दोगे यहां पर डोपिंग, तो क्या होगा तुम्हारा, ये सारे यहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, सर मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दूसरे से, तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। अरे ठीक है ना, तो अभी ये पतला है तो मेजोरिटी क्या है और क्या है, लाइटली डोप्ड है, कैरियर्स भी कम है और पतला भी है, तो आसानी से क्या हो जाते हैं तुम्हारे जो कैरियर्स होते हैं, जो एमिटर ने एमिट किए हैं, वो सारे सारे किसे पहुंच जाते हैं, कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। कलेक्टर क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया होगा, क्या कर रहा है, एमिटर द्वारा जो कैरियर्स भेजे गए उसको कलेक्ट कर रहा है, और इसका साइज भी इसलिए बड़ा होता है कि कलेक्ट करना है इसको, यहाँ जा रहा है उसको भी कलेक्ट करना, यहाँ वाला ये रीजन नहीं है, मतलब साइज बड़ा होता है जिससे मतलब वो कलेक्ट कर ले। अरे ठीक है, समझ में आ गया, देखो बेस, बेस में क्या लिखा, बेस रीजन इज
वेरी लाइटली डोप एंड थिन सो दैट मोस्ट ऑफ कैरियर्स एमिटेड बाई एमिटर सो दैट मोस्ट ऑफ कैरियर्स एमिटेड बाई एमिटर पास थ्रू इट टू कलेक्टर पास थ्रू इट टू कलेक्टर पास थ्रू इट टू कलेक्टर ठीक है। तीसरा क्या लिखोगे बच्चों? कलेक्टर सी। हाँ हाँ कम जा रहे हो थोड़े से क्या मतलब देखो पहली बात तो कलेक्ट कर रहा है ना, पहली बात तो खुद के भी है और थोड़ा सा कलेक्ट भी कर रहा है, मतलब क्या चाहिए? मतलब क्या लाइटली डोप होता है ना, अभी बताऊंगा। लाइटली डोप होता है, हाईली डोप नहीं होता। अरे ठीक है, देखो बेसिकली बात क्या होती है, तुमको एमिटर से कलेक्टर में जाना है, करंट उसके थ्रू ले जानी है, ठीक है। और वो अगर मान लो उसको हाईली डोप कर देते ठीक है, तो उसका साइज बड़ा करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है ना। बट वो क्या होता है, लाइटली डोप होता है, मतलब मॉडरेटली होता है, बेस से कंपेरिजन में ज्यादा होता है, एमिटर से क्या होता है थोड़ा सा कम होता है, इसलिए साइज क्या रखना पड़ता है, बड़ा रखना पड़ता है। अरे ठीक है, लिखो इसमें डोपिंग लेवल ऑफ कलेक्टर इज मॉडरेट, डोपिंग लेवल ऑफ कलेक्टर इज मॉडरेट एंड इट लाइज बिटवीन दैट ऑफ बेस एंड एमिटर। हाँ बेस से ज्यादा एमिटर से कम, एंड इट लाइज बिटवीन दैट ऑफ बेस एंड एमिटर। बेस से ज्यादा होगा, मैंने मॉडरेट बोला ना, तुम्हारा बेस लाइटली डोप था। ओके लिखो, इट साइज इज ग्रेटर बिकॉज साइज इज लार्ज बिकॉज इट कलेक्ट मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम बेस, बिकॉज इट कलेक्ट मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स एमिटेड बाई बेस, सॉरी एमिटेड बाई एमिटर, बिकॉज इट कलेक्ट मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स एमिटेड बाई एमिटर एंड। अच्छा बच्चों मॉडरेटली डोप क्यों होता है गौरिष्ठ जी? न्यूट्रलाइज ना होगा, ये एन है और ये भी एन है, नहीं अरे उसको जरूरत नहीं है ना तुमको डोपिंग की। पहली बात तो ज्यादा डोप कर दोगे, हो सकता है कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाए, क्या मुझे कंडक्टर चाहिए कि सेमी कंडक्टर चाहिए? वो ऑलरेडी एमिटर से रिसीव कर रहा है काफी सारे के चार्ज कैरियर्स, एमिटर वाले पास हो जा रहे हैं ना कलेक्टर में, तो उसको डोपिंग हाई चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अरे ठीक है, नहीं कह दो मेरे पास तो है कोके, मैं डोप कर दूंगा उसको, ठीक है ना। अरे ठीक है, तो क्या होता है मॉडरेट होता है, इसलिए न बहुत कम न बहुत ज्यादा। तो लिख लो, इट इज मॉडरेटली डोप एज इट ऑलरेडी रिसीव्स कैरियर्स फ्रॉम एमिटर। इट इज मॉडरेटली डोप एज इट ऑलरेडी रिसीव्स कैरियर्स फ्रॉम एमिटर। अरे ठीक है, देखो कई चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफी चीजें तुमको मैं लिखवा रहा हूँ कि अदरवाइज मैं शॉर्टकट में लिखवा दूंगा तो समझ में आएगा नहीं कि डिफरेंट पार्ट है, फंक्शन क्या है, ठीक है। अब बोर्ड में तो आना नहीं है, एडवांस में भी नहीं आना है, लिखो इसमें वर्किंग ऑफ। अच्छा
वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर समझने से पहले बच्चों, जस्ट लाइक तुम्हारा पीएन जंक्शन वाले की थी ना, वैसे इसमें भी है। इसमें बच्चों कितने जंक्शन होंगे सोच करके बताओ। मान लो एनपीएन की बात करो, कितने जंक्शन होंगे? बीपीएन जंक्शन होंगे, तो यहां पर होगा और तो यहां भी है ना, पी और एन जंक्शन, ठीक है ना। एक यहां पर जंक्शन होगा, एक यहां पर जंक्शन होगा। अरे यही बात समझ। अच्छा इसमें भी याद है डायोड की मैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग बताया था, इसमें भी होगा तुम्हारा फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। देखो वास्तव में दो टाइप के पीएन जंक्शन डायोड है बच्चों, उनका क्या है, एक पी कॉमन है इसमें, अरे दो पीएन जंक्शन डायोड है वास्तव में, ऐसा समझिए। अरे ठीक है, उनका पी क्या है तुम्हारा, कॉमन है, सही बात समझ। अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती है इसमें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है तो वो समझ लो, बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी मैं सिंबल लिखवाऊंगा तो उसमें यूज होगा, और बच्चे समझ नहीं पाते कि ऐसा ही क्यों लिखा गया है, हर एक बुक में ऐसा ही क्यों लिखा गया है। नॉर्मल क्लियर नहीं है कि यहाँ पर कुछ एक्स दे दिया, यहाँ पर वाई दे दिया, वेरिएबल नहीं, उसका मीनिंग है कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे बॉक्स बना के लिख लेना, अभी कुछ सिंबल्स लिखवाऊंगा उसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे आता है बच्चों कई जगह देखोगे, मान लो पीएनपी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें बेस एमिटर लिखा हुआ है, मान लो एनपीएन पढ़ा रहे हैं उसमें वीई भी लिखा हुआ है। मैं कंफ्यूज रहता था कि भाई एक में बी लिखा है, एक में ईवी क्यों लिखा है, बी लिखा है बच्चों, इसका मतलब हायर पोटेंशियल पर कौन होगा बच्चों, बी होगा, तो ये वीबी माइनस वीई है। इसमें बच्चों बेस क्या है तुम्हारा, हायर पोटेंशियल रिलेटेड टू एमिटर। अरे ठीक है, बट अगर मैं उल्टा बोलता वीई भी बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, वीई माइनस वीबी, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, रिवर्स होता, मैं रिवर्स लिख दे रहा हूं। अरे ठीक है ना, क्या होता कि अभी एमिटर बच्चों हायर पोटेंशियल पर होता है बेस के कंपैरिजन में, ठीक है। और एक आता है तुम्हारा वीबीबी, देखो इसका मतलब क्या है, ढंग समझो एक मिनट, वीबीबी क्या है, वीबीबी बच्चों बेस का डीसी बायस, डीसी मतलब क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट। ये एमिटर का बायसिंग किसके रिलेटेड था, बेस के रिलेटेड था, ये क्या है तुम्हारा, ग्राउंड के रिलेटेड है, तो बेस का है किसके रिलेटेड, ग्राउंड के रिलेटेड, ठीक है। लिखो इसमें डीसी वोल्टेज एट बेस, यहां पर रिलेटेड टू एमिटर, यहां पर क्या होगा, रिलेटेड टू ग्राउंड। और VCC क्या होगा सोच के बता सकते हो, हाँ कलेक्टर रिलेटेड टू, ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तक कोई इश्यू है बता देना प्लीज, लिख लिया। लिख लिया, देख हिंट लो, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं से बड़ा सा डायग्राम बना रहा
आपका पी है इसीलिए होल दिखाया मैंने, इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, इसमें मैं कम दिखा रहा हूं थोड़े से, ठीक है। ये भी एन ही है ना, इसमें भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही होगा, थोड़ा सा इसमें कम दिखा रहा हूँ, साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है, ठीक है। इतना बनाऊ तो बता रहा हूं, ये क्या तुम्हारा एमिटर, ये क्या तुम्हारा बेस, और ये क्या तुम्हारा लिख लिया, देखो। अच्छा उसमें तो तुम्हारा एक बैटरी लगाने से काम हो जा रहा था, याद है डायोड में एक बैटरी लगाने से काम हो जा रहा था, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पर एक बैटरी लगाऊं शुरुआत से अंत तक, यहां बच्चों यहां भी एक डिप्लीशन रीजन होगा, ऐसे लिख लेना अगर तुम्हारे पास दो कलर की पेन है, और यहां भी क्या होगा तुम्हारा एक डिप्लीशन रीजन होगा, ठीक है। बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, इसे नहीं बनाया, या सिंबल दिखाते भी नहीं है तुम्हारा जनरली, ठीक है। दो डिप्लीशन रीजन होंगे, ओके। तो तुम्हारे जो चार्ज ले रही है, दो डिप्लीशन रीजन को पार करना है, अभी बैटरी मत बनाना। देखो अगर मान लो तुम तो इधर पॉजिटिव कर दिए बच्चों, इधर कर दिए निगेटिव, तो ये क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर बच्चों एन टाइप मान लो, इसको जीरो मान लो बेस को, तो ये क्या है तुम्हारा रिवर्स बायस हो, नहीं हो गया एन तुम्हारा पॉजिटिव हो गया ना, एन एट हायर पोटेंशियल, तो क्या इलेक्ट्रॉन जाए क्या इधर जंक्शन की ओर, नहीं इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, खींच लेगा ऐसा मान लो, ये पॉजिटिव है इधर खींच लेगा, क्या ऐसा है क्या, इससे फ्लो हुआ क्या, नहीं। इसका मतलब उल्टा कर दे, इससे नहीं हो रहा, क्या कर दे इसको निगेटिव कर दे, इसको क्या कर दे, इससे हो जाएगा अभी, दो है इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो बच्चों क्या करेगा फॉरवर्ड बायस हो गया, ये सपोर्ट कर रहा है या माइनस है, इसको रिपेल करेगा ऐसे समझ लो, तो यहां पर तो घुस जाएंगे, बट यहां पर देखो ये बच्चों क्या हुआ तुम्हारा, ये हाँ पॉजिटिव हो गया ना। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किधर होगी तुम्हारी, इधर से इधर, ठीक है बताता हूँ, ठीक मान लो इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, यहां पर कौन से होंगे बच्चे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ना, इस साइड बच्चे पॉजिटिव होंगे और इस साइड क्या होंगे तुम्हारे निगेटिव। अच्छा मान लो यहां पर सपोर्ट, अब यहां पर क्या होगा तुम्हारा, दो डिफरेंट टाइप है, यहां पर क्या है तुम्हारा मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा यहां पर जो फील्ड बनी बच्चों, यहां पर इसने क्या किया, एन को क्या किया नेगेटिव किया, तो इधर तुम्हारा क्या हुआ, ये जो रीजन बना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई तुम्हारी, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर हुई, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगा तुम्हारा, सपोज यहां पर क्या हुआ तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर एन टाइप एन पी,
यहां पर क्या हुआ तुम्हारा फील्ड, एक केस से फील बच्चे सपोर्ट कर रही है, एक केस में क्या हो रहा है तुम्हारा अपोज कर रही है। मान लो दोनों लगभग सिमिलर साइज बढ़ेंगे, ऐसा मान लो एक केस में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है तुम्हारी पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, और एक केस में किधर है तुम्हारी इधर, है ना, अरे है ना, समझ पा रहे हो। अच्छा दोनों लगभग से समझ लो दोनों लगभग बीस तुम्हारा एग्जैक्टली बीस में है, तो एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा मान लो, तो लगभग दोनों का अगर साइज हुआ ठीक है पहले कुछ था बाद में मान लो दोनों का घट गया या दोनों का बढ़ गया, तो दोनों सेम साइज में बढ़ेंगे, बट एक केस में सपोर्ट कर रहा है एक केस में क्या कर रहा है तुम्हारा अपोज कर रहा है। मान लो यहां पर अगर सपोर्ट कर रहा है तो यहां पर अपोज कर रहा है, या यहां पर सपोर्ट कर रहा है तो यहां पर अपोज कर रहा है। अरे आ रही बात समझ, एक केस में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पर किधर आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव इधर आ रही है, और एक केस में यहाँ पर किधर आ रही है तुम्हारी अपोजिट आ रही है। अरे ठीक है इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आया इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स इधर लगाया इधर लगाया, अगर यहाँ पर उल्टा कर देते तो क्या हो जाता तुम्हारा, ये सपोर्ट करता वो अपोज करता, एक केस में ये सपोर्ट करेगा ये अपोज करेगा, तो एक बैटरी तुम्हारा काम नहीं होना है, एक बैटरी काम तुम्हारा नहीं होना। अच्छा इसका रिजोल्यूशन क्या करें, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है फोर्स, मान लो एक केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है तो फोर्स क्या लगता है तुम्हारा, तुम ही बता दें अगर अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तुम्हारा नेगेटिव हो गया ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव लगेगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इधर लगा, एक मिनट लेंदी हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन था तुमने जो फील्ड लगाई सर मोशन फील्ड की वैसे होती है, और यहां पर भी क्या था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था ना इलेक्ट्रॉन, तुमने फील्ड लगाई मान लो इस डायरेक्शन में, अरे ठीक है ना, इस जंक्शन केस में क्या हुआ तुम्हारा, यहां पर मान लो इधर ये लगाएगा इधर, और यहां पर किधर लगाएगा तुम्हारा इधर, बट यहां पर देखो इस साइड यहां पर कौन सा बच्चों एन और पी, तो मान लो एक घट जा रहा है बैरियर, एक को सपोर्ट कर रहा है एक के फील्ड वेट जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है, तो एक को सपोर्ट करेगा एक को क्या करेगा अपोज करेगा, एक तो बढ़ जाएगा ना एक डिप्लीशन रीजन तो बढ़ जाएगा, अगर एक भी डिप्लीशन रीजन का साइज बढ़ गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा ना रेजिस्टेंस, अरे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, यहां पर मान लो ये जंक्शन कौन सा होगा तुम्हारा एन, क्या होगा तुम्हारा बच्चों एन यहाँ पर निगेटिव हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो गया इस केस में, तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस क्या होगा मान लो कम हो गया, बट ये वाला एन क्या हो गया बच्चों तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, तो ये कौन सा बन गया तुम्हारा, ये जंक्शन कौन सा बन जाएगा रिवर्स बायस बन जाएगा, इस जंक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो करंट तो इसके थ्रू ही जाना ना, अरे आई बात समझ में अभी भी नहीं चमका, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो तुम बैटरी लगाए तो दो जंक्शन है शुरुआत ही मैंने बताया ये तुम्हारा एन पी एन ठीक है, बेस को मान लो जीरो तुम समझने के लिए बेस का पोटेंशियल क्या मान लो जीरो, ये बताओ कौन सा है ये जो जंक्शन बनेगा कौन सा है फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, एन पॉजिटिव है पी जीरो है एन हायर पोटेंशियल पर है रिवर्स बायस हो गया, तो इस यहां का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा काफी ज्यादा हो जाएगा, क्या मेजोरिटी करंट फ्लो कर पाएंगे क्या, नहीं उल्टा कर दो, अच्छा ये क्या हो जाएगा इस केस में फॉरवर्ड बायस यहां पर कम हो जाएगा, बट सोचो एक का भी सीरीज में एक का भी करंट तो ऐसे जाएगा ना इसमें, अगर एक का भी ज्यादा हो गया तो नहीं फ्लो करेगा ठीक है, अच्छा अगर उल्टा कर दो यहां पर शुरू कर दो तो निगेटिव कर दो से कर दो पॉजिटिव, अभी ये फॉरवर्ड बायस हो गया बट यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा रिवर्स बायस हो जाएगा, अगेन तुम्हारा करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, तो एक बैटरी से काम नहीं हो पा रहा है ना, अरे यही कहने का प्रयास कर रहा था कि एक बैटरी से काम
नहीं हो पा रहा। कितनी बैटरी चाहिए बच्चों मुझे? दो बैटरी चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आया? प्लीज किसी को डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगा। मतलब अगर एक ही बैटरी लगाओगे तो इग्निशन फॉरवर्ड ब्लास्ट हो जाएगा, इग्निशन रिवर्स ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए क्या होगा तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। कितनी बैटरी यूज करनी पड़ेगी? दो। दो बैटरी बायसिंग के लिए यूज करनी पड़ेगी। चमका, अरे किसी को डाउट है बच्चों? अच्छा कैसे यूज करें? यहां पर एक मिनट डायग्राम लेते हैं। अगेन वही बनाना है, बनाना इलेक्ट्रॉन वगैरह। क्या वो बनाओ? ये तो बनाना है, ड्रॉइंग ही कर ले इसमें। ठीक है, देखो वो क्या रहा था। अच्छा अभी पॉजिटिव लगाने से क्या होगा? मान लो अभी ये बच्चों एमिटर बेस वाली कौन सी बायस होगी सोचो। यहां पर ये निगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। एन वाला क्या है तुम्हारा? निगेटिव। पी वाला पॉजिटिव। ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अरे फॉरवर्ड बायस हो गया तो क्या होगा तुम्हारा? ये सपोर्ट करेगा। अब सोचो ध्यान देना, बेस का पतला होने का फायदा हमको मिलेगा यहाँ पर। अब मान लो सपोर्ट करेगा तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन बच्चे किधर ड्रॉ होंगे? जंक्शन की ओर ड्रॉ होंगे। अब क्योंकि बेस बहुत पतला है तो पहली बात तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा, और पतला है लाइटली टॉप भी है, रिकॉम्बिनेशन कम पतला है तो मेजोरिटी क्या हो जाएंगे बच्चों? क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा क्रॉस कर गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बच्चों कौन सा है तुम्हारा? अच्छा इस जंक्शन पर जब यहाँ पर आया, सोचो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पर इस जंक्शन के पास, ये जंक्शन कौन सी है? रिवर्स बायस है। अरे कौन सी है? रिवर्स बायस है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन किसमें घुस गया है? पी टाइप में। पी टाइप के तो क्या है वो? माइनॉरिटी कैरियर है। तो रिवर्स बायस क्या होती है? माइनॉरिटी किसमें क्या करती है? सपोर्ट करती है। रिकरिंग नहीं करेगी तो सारा सारा इलेक्ट्रॉन किधर स्विप आउट हो जाएगा तुम्हारा? किसमें वो घुस जाएगा तुम्हें? किसमें आ जाएगा? अरे फ्लो हो गया ना करंट तुम्हारा,
ट्रांजिस्टर के थ्रू तो आ गया क्या? पहले हमारा ये नहीं था, ये फॉरवर्ड बायस नहीं था क्या? नहीं देखो, असल में था क्या, एक और भी रीजन होता कि यहाँ पर तुम्हारा अगर मान लो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है तुम्हारा थोड़ा सा डिप्लीशन रीजन आ जाता है, राइट। जब ये पॉजिटिव लगाती हो तो रीजन क्या होता है तुम्हारा, काफी कम हो जाता है, एक इंसेंटिव टाइप का दे रही है। अरे ठीक है, जब यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा रिस्पॉन्स, तभी क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में है तो अभी आराम से निकल जाएगा। अगर ये ना लगाती तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, डिप्लीशन रीजन आता है। समझो अगर रिवर्स यहाँ पर आता, जिस लाइक उसमें पढ़ रहे थे हम सेमीकंडक्टर में, जब पीएन जंक्शन पढ़ रहे थे, अगर मान लो कोई भी बायसिंग नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आ जा रहा था, डिप्लीशन रीजन आ जा रहा था। तो यहीं से बच्चा नहीं निकल पाता, यहां से नहीं निकल पाता तो क्या होगा, आगे भी नहीं जा पाता। यहाँ पर डिप्लीशन रीजन आ रहा था थोड़ा सा साइजेबल, उसको हटाने के लिए कौन सा हमने लगाया, डीसी का लगाया थोड़ा सा पॉजिटिव, जिससे क्या कर दे, सोचो अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो ये जो यहाँ पर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे ना इसकी ओर, किधर चले जाएंगे, वो बेस में चले जाएंगे। अरे ठीक है, अगर यहाँ पर तुम पॉजिटिव लगा दोगे, पहले यहाँ पर डिप्लीशन रीजन कर रुके थे, अभी क्या हो जाएंगे तुम्हारा, इधर चले जाएंगे। ओके, इसके पहले नहीं था, अरे इसके पहले नहीं था, अरे यारी बात है, इसी एक का फॉरवर्ड बायस होगा तो एक का क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अभी यहाँ पर एक क्या हो जाएगा बच्चे तुम्हारा, यहाँ पर अगर मान लो क्रॉस कर गया तो बेस काफी पतला है, तो क्या होगा उससे आसानी से क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इधर क्रॉस कर, क्योंकि बेस कौन सा है तुम्हारा, पी टाइप है, और पी टाइप के लिए वो क्या है तुम्हारे माइनॉरिटी कैरियर्स, वो क्या हो जाएगा क्रॉस कर देंगे। या ऐसे समझ लो डायरेक्शन क्या होगी बच्चे तुम्हारी, यहाँ पर एन क्या है तुम्हारा पॉजिटिव और ये क्या है निगेटिव, डायरेक्शन बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, तो इलेक्ट्रॉन और फोर्स उधर लगेगा तुम्हारा अपोजिट टू फील्ड, तो किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। इसका उद्देश्य लगाने का क्या था, हाँ डिप्लीशन, इस ये जो यहां पर बन रही तुम्हारी डिप्लीशन रीजन, इसके साइज को कम करना। समझ में कंफ्यूज तो नहीं हूं, कंफ्यूज तो नहीं हूं, आ गया। ओके, इसके पहले क्या, अगर तुम सिंगल लगाते, सिंगल बैटरी लगाते तो क्या आपका करंट फ्लो होता था क्या, यहां पर रुक जाता, अरे यहां पर रुक जाता, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा तुम्हारा डिप्लीशन रीजन आ जाती, तो यहां पर रुक जाता, यहां पर एक पीएन जंक्शन है। ओके, यहां पर रुक जाता क्या, ऊपर वाला नहीं है, यहां पर जंक्शन करीब क्या होता तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन होता, तो तुम्हारे कौन सा बचते सर, आयन सी बचते, तो क्या बन रहा तुम्हारा, वही तो डिप्लीशन रीजन बनता, जा रहे थे मैं नहीं कर रहा, मैं थोड़ी कर रहा नहीं जा रहे थे, बट जंक्शन करीब क्या जाता तुम्हारा, पी और एन टाइप क्या होते मिलते न्यूट्रलाइज कर देते, क्या बन जाता तुम्हारा एक टाइप का बैरियर बन जाता। अब तुमने इनसे डिवाइस करने के ये बैरियर कम कैसे करोगी, इलेक्ट्रॉन को और तो पुल करना है ना, क्या कर दोगी यहां पर पॉजिटिव लगा दिया, पॉजिटिव लगा लोगे किधर बच्चे जो थोड़े यहां पर थे यहां वाले थे किधर आ जाएंगे, अंदर की ओर आ जाएंगे, बैरियर का साइज क्या हो गया बच्चों कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा ना जो दूर थे उनको अट्रैक्ट कर लेगा। अरे ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता ये, बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बेस बहुत पतला है, अरे ठीक है ना, वो जल भी सकता है डैमेज भी हो सकता है, इसलिए क्या होगा तुम्हारा जो वीवी होता है, यहाँ पर मैंने एक सेल दिखाया है और यहाँ पर क्या दिखाया मैंने दो सेल दिखाया है। अरे ठीक है, अरे बात समझ में, ये बैटरी तुम्हारी बड़ी होती है, वो बैटरी क्या होती है तुम्हारी छोटी होती है, तो क्वेश्चन में भी देखना तो यही होगा। अभी क्लियर हुआ दो बैटरी क्यों लगा रहे हैं, एक बैटरी से काम तुम्हारा नहीं हो पाता। अभी भी सोच लो अगर कुछ है डाउट तो।
कौन सा? हाँ इस, ये क्या हो गया तुम्हारा रिवर्स? हाँ ये रिवर्स कैसे हो गया? यहाँ पर पी पॉजिटिव है, बट पी लोअर बैटरी की वोल्टेज से पॉजिटिव है, और ये क्या है तुम्हारा हायर बैटरी की वोल्टेज से पॉजिटिव है। एन साइड इज एट हायर पोटेंशियल रिलेटेड टू पी टाइप, ठीक है। और कुछ डाउट? समझ में आया ना? पर अंदर कैसे करंट बहती है, सिर्फ ये मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन चला मान लो, ये तो यहां पर निगेटिव था चलता, यहां पर आकर क्या जाता तुम्हारा न्यूट्रलाइज होता, तो यहां पर बैरियर बनता, वो बैरियर का कर देता बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को रोक देता। अगर उनको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज, ज्यादा नहीं करना उनको इंसेंटिवाइज, थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करना, तो यहां पर क्या लगा देते हैं पॉजिटिव लगा दो। पॉजिटिव लगा दो तो क्या हो जाएगा, वो जंक्शन की ओर क्या हो जाएंगे, जो तुम्हारे दूर वाले थे थोड़े, वो भी क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे पार कर जाएंगे, क्योंकि बेस बहुत पतला है। जब बेस में घुसे तो बच्चों ये क्या है तुम्हारी रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस थ्योरी का करता है, माइनॉरिटी के थ्योरी को सपोर्ट करता है। अब पी टाइप में इलेक्ट्रॉन घुसे हैं, तो पी टाइप के लिए क्या है वो माइनॉरिटी है ना, तो क्या हुआ बच्चों सपोर्ट किया उनके थ्योरी का, तो इधर घुस गए तुम्हारे कलेक्टर में, तो एमिटर टू कलेक्टर तुम्हारा तुम्हारे ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो कर गया। अभी बाहर भी देखेंगे। अरे ठीक है, अरे यही बात समझ में, हर एक का रीजन समझ में आया विचार। इसीलिए मैंने क्या लिखवाया था वहां पर, दो डिप्लीशन रीजन है, अरे लिखवाया था। ओके अब इसमें लिखो, इसमें एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, एमिटर बेस जंक्शन क्या है बच्चे तुम्हारी फॉरवर्ड बायस है, एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अरे लिख लिया तो लिखो इसमें, तो मेजोरिटी कैरियर था ड्रॉन टुवर्ड्स इट, मतलब इस वाले जंक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, जो यहां पर बना है, ठीक है, इस दो जंक्शन है। ओके तो मेजोरिटी कैरियर्स आर ड्रॉन टुवर्ड्स इट, अच्छा यहां पर बच्चों कौन सा सिंबल बनाया होता है, ये कलेक्टर और एमिटर के बीच है ना, तो क्या बोले वीसीई की वीसी, हाँ कलेक्टर, और यहां पर क्या बोले इसके पीछे, हाँ तो क्या क्या बोले वीवीई की वीईवी वीईवी की वीबीई, यही बोलेंगे ना, कि बेस क्या तुम्हारा हायर पोटेंशियल पर है। अरे ठीक है, समझ में आया यहां तक क्या लिखा मैंने, बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, सो मेजोरिटी कैरियर्स आर ड्रॉन टुवर्ड्स इट, ठीक है ना। अच्छा अगर वीबीई बच्चों अब्सेंट होता, ठीक है, तो लिख लेना, इफ वीबीई वाज अब्सेंट, इफ वीबी वुड हैव बीन अब्सेंट, ऐसे लिख, इफ वीबी वुड हैव बीन अब्सेंट देन because of depletion region formation, then because of depletion region formation, ऐसे ब्रिकेट में लिखना, ठीक है ना, इसको वर्किंग में नहीं लिखना मतलब, अरे ठीक है वर्किंग में लिखना, इसको ब्रिकेट में लिखना, नहीं बाद में अगर एक पॉइंट मिस हो गया ना, बाद में ऐसे कंफ्यूज हो गए जो अभी कंफ्यूज हो रहे थे। अरे ठीक है, इफ वीबीई वाज अब्सेंट देन क्या लिखा तुमने, बिकॉज ऑफ डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स वुड हैव स्टॉप्ड, वुड हैव स्टॉप्ड, टू इंसेंटिवाइज फ्लो ऑफ कैरियर्स
वी अप्लाई स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज, वी अप्लाई स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज. स्मॉल किसके रिलेटिव बच्चे हो, मेरे वैसे लार्ज और स्मॉल रिलेटिव होते हैं. किसके रिलेटिव है, तो मैं सी के रेस्पेक्ट में बात करूं. वी अप्लाई स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज एट बेस, ब्रैकेट में वीबीई लिख लेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज एट बेस. ओके, अच्छा स्मॉल है किसके रिलेटिव, सी के रिलेटिव. अदरवाइज अगर बड़ा होता मान लो वीसी से बड़ा होता तो क्या हो जाता, तो दिक्कत रहती नहीं हो जाती, अरे हो जाती ना. ये क्या हो जाता तुम्हारा, मान लो ये बड़ा हो जाता तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता तुम्हारा, ये भी क्या हो जाता, फॉरवर्ड पास हो जाता. और जो फॉरवर्ड पास होगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता, अरे करता नहीं करता, ठीक है. इसीलिए क्या तुम्हारा स्मॉल है, किसके रिलेटेड, वीसीई के रिलेटेड, ठीक है. तो इसका क्वेश्चन था ना कि भाई ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आप क्यों कह रहे हो कि ये रिवर्स बायस है. एन वाला क्या है, हायर पोटेंशियल पर, क्योंकि ये बैटरी का वोल्टेज क्या है, बड़ा है. आई बात समझ में, ओके. तो इसको ब्रेकअप में कर लेना, मतलब ओके, ये मतलब वर्किंग में तुमको अगर कोई पूछ भी ले, मतलब है तो नहीं बोर्ड के कोर्स में, बट इनकेस अगर डाउट आता है तो ठीक है. लिखा लो ऑफ कैरियर्स, ठीक ठीक है. कहां तक लिखा था, एमिटर बेस जंक्शन इज फॉर्मड बाय सो मेजॉरिटी कैरियर्स आर ड्रॉन टुवर्ड्स इट, सिंस बेस इज वेरी थिन, सिंस बेस इज वेरी थिन. वेरी फ्यू, सिंस बेस इज वेरी थिन, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स न्यूट्रलाइज ईच अदर. वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स न्यूट्रलाइज ईच अदर. ओके, इसका मतलब बच्चों बेस करंट कम होगी तुम्हारी, ये भी बता रहा हूं, ठीक है. अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, मेजोरिटी बच्चे कहां पहुंच जाते, तुम्हारे कलेक्टर में पहुंच जाते होंगे, न्यूट्रलाइज जाकर क्या हो जा रहे हैं. अच्छा अब तुम्हारा जो बेस में है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स है. और तुम्हारी ये बेस और कलेक्टर जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस, ठीक है ना. तो क्या होगा, उसके फ्लो को सपोर्ट करेगा, ठीक है. लिखो इनसाइड पी रीजन, इनसाइड पी रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स. माइनॉरिटी कैरियर्स सिंस कौन सी जंक्शन है बच्चों, कलेक्टर बेस जंक्शन. सिंस कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, सिंस अच्छा बट लिख लेना, बट बट सिंस, बट सिंस ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है. अरे कर लेना ऐसे, चलो ठीक. बट सिंस मेजोरिटी कैरियर क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, इट विल सपोर्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ सकते हो बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी, ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. अरे ये हायर पोटेंशियल पर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कर लगेगा, अपोजिट लगेगा. अरे ठीक है, इट विल सपोर्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या लिखा तुमने, हाँ ब्रेकेट में इलेक्ट्रॉन, will support flow of minority carriers brackets में electrons. अरे ठीक है, तो इसका so collector, so electrons will reach, so electrons will reach collector. ठीक है, अब ये बच्चों emitter से चलकर कहां पर आ गई, collector पर आ गई. ये किसकी बात हो गई तुम्हारी, अंदर तक पूरा वैसे फ्लो हो रहा था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल के थ्रू हुआ,
ठीक है, वो तुम्हारा चर्चा होगी। ठीक है, तो लिख लेना। सो इन दिस वे करंट फ्लोस इनसाइड ट्रांजिस्टर। सो इन दिस वे करंट फ्लोस इनसाइड ट्रांजिस्टर। अरे ठीक है, अच्छा क्या अभी कंप्लीट होगा क्या? क्या अभी वर्किंग कंप्लीट हो गई क्या? क्या क्या बाकी है? हाँ आउटसाइड बाकी है और प्लस एक और चीज। कंपनसेट भी करना होगा ना हमको, जो इलेक्ट्रॉन और होल का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है वो कंपनसेट भी करना होगा। अरे करना होगा ना। ठीक है, पहली बात तो बाहर करंट कैसे फ्लो हो रही है? बाहर से तो क्या होल होंगे क्या वायर्स में? नहीं, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही होगा। और करंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट बहेगा। अभी मैंने देखो एरो की डायरेक्शन नहीं बनाई, कौन से ब्रांच में एमिटर के थ्रू कौन सी जा रही है, कलेक्टर के थ्रू कौन सी जा रही है, ये नहीं बनाया मैंने अभी। अरे ठीक है, अभी बनाऊंगा। तो अच्छा देखो, अब एक एक का हिसाब करते हैं। अगर मान लो जो यहाँ पर बच्चों कुछ कंबाइन हुआ, यहाँ पर आए इलेक्ट्रॉन और होल, ये तो मैसअप हो गया। यहाँ पर होल थे है ना, होल मान लो ये इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन किया, एक होल कम ही नहीं कम हो गया और एक इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया एमिटर का। ठीक है ना, तो कंपनसेट कैसे करोगे? यहां पर होगा बच्चे, यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा बेस टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल है ना, बेस टर्मिनल के नजदीक क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा? सोचो, होल इसके अंदर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन बच्चे किसके थ्रू चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। अरे चला गया ना। अरे भाई कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो बच्चों होल किधर चला जाएगा तुम्हारा? डिफरेंट कलर से दिखा रहा है, इधर आ गया और इलेक्ट्रॉन किसमें घुस गया तुम्हारा? इसमें घुस गया। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो करंट किधर होगा? इसके अपोजिट। तो करंट किधर होगा बच्चों? इसके ये कौन सी डायरेक्शन है? आईबी। और आईबी किससे कारण फ्लो हुई? इलेक्ट्रॉन की मोशन कर। अच्छा बताओ बैटरी के अंदर घुस गया तो बैटरी के अंदर चार्ज तक कोबिलेट होता रहेगा। क्या बैटरी चार्ज देती है कि चार्ज का ट्रांसफर करवाती है? ट्रांसफर करवाती है। तो जैसे ही इसके अंदर घुसा वैसे ही क्या होगा? इसके अंदर से यहां पर निगेटिव वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें चला जाएगा, एमिटर में चला जाएगा। अरे भाई एमिटर वाला इलेक्ट्रॉन था ना, एमिटर वाले इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ था, तो भाई यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटा इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? इसमें चला गया। और होल किसमें चला गया तुम्हारा? बेस में चला गया। कंपनसेट हो गए। अच्छा तो यहां से एक हो गया। अच्छा कुछ जो होंगे पास कर जाएंगे बच्चों, जो तुम्हारे इजेक्ट किए थे तुम्हारे एमिटर ने, यहां पर मान लो आ गए। यहां पर क्या होगा? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में घुस जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेगा, बट अगेन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो क्या होगा? निगेटिव वाले से निकलेगा और कहां घुस जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा। मैंने बताया ना कि बैटरी क्या करती है? ट्रांसफर करवाती ना कि चार्ज देती है। अरे ठीक है, तो क्या हुआ तुम्हारा? जो यहाँ पर ये वाला बच्चों भी कहां चला गया? यहाँ पर चला गया। देखो एमिटर बेस वाला भी बच्चों कंट्रीब्यूट कर रहा है एमिटर करंट में, और कलेक्टर वाला भी क्या कर रहा है तुम्हारा? एमिटर करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा? एमिटर करंट जो होगी वो क्या होगी? सम ऑफ कलेक्टर करंट और बेस करंट। अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐसे गया बच्चों, गया ना ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला ना, ऐसे गया, तो बताओ कलेक्टर करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अरे बताओ कलेक्टर करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी ना इसकी, क्या होगी तुम्हारी? आईसी ऐसे होगी कि नहीं होगी? अरे ऐसे होगी ना, ध्यान देना ये एमिटर है। अच्छा सोचो यहां से बच्चों क्या जा रहा है तुम्हारा? ये आई भी जा रहा है ऐसे और ये क्या जा रहा है? आईसी। तो आई कैसे जा रहा होगा तुम्हारा? अरे सोचो एमिटर में घुस जा रहा था ना, तो करंट क्या होगा तुम्हारा? अपोजिट होगा ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, नहीं जा रहा था, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो ये क्या होगा बच्चों तुम्हारा? आई की डायरेक्शन होगी। अच्छा केसीएल से भी बोल सकते हो,
इस जंक्शन पर देखो आईई आ रहा है और जा क्या रहा है बच्चों, आईसी और आईबी। तो आई क्या होगा, आईसी प्लस आईबी का सम होगा। वैसे भी सोच सकते हो कि एमिटर भी कंट्रीब्यूट, सॉरी बेस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एमिटर करंट में और कलेक्टर भी कर रहा है एमिटर करंट में कंट्रीब्यूट। अरे ठीक है, आई बात समझ, बारी वर्किंग समझ में आ गई कैसे होगा, बहुत ही आसान। ऐसे ऐसे सोच लो, पीएन जंक्शन में भी किया था ना हमने, डायोड भी था ना कंपनसेट कर रहे थे उसमें भी, सेम ऐसे ही इसमें भी अंदर वाला काम हो गया। आउटसाइड के लिए एक लाइन छोड़ के लिखना, लिखो व्हेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेस होल इन बेस, व्हेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेस होल इन बेस, इक्विवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स नियर बेस टर्मिनल, इक्विवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स नियर बेस टर्मिनल। ठीक है, अच्छा डायग्राम में तुम एरो बना लेना ये करंट वगैरह की, नहीं बनाई होगी ना मिस। यहां भी दिखा देना और यहां भी दिखा देना, दो जगह दिखा देना, यहां भी कलेक्टर करंट दिखा देना।
आ रही है, बताओ कहां से छूटा था, मैं बोल दूं फिर से, एक लाइन बता दूं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अब जल्दी मैसेज आया, तुरंत तुरंत देख लिया तुमने? हाँ 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 26 हो रहा है, देखिए फिर से बोल दे रहा हूँ मैं। लिखो, इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसमिटेड इनटू कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसमिटेड इनटू कलेक्टर इंटर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCE, इंटर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCE, ठीक है, एट द सेम मोमेंट, एट द सेम मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम, एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VCE, इज एमिटेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VCE एंड इंटर्स एमिटर, एंड इंटर्स एमिटर, एंड इंटर्स एमिटर, इन दिस वे कलेक्टर करंट फ्लोज, इन दिस वे कलेक्टर करंट फ्लोज। बेस करंट वाला लिख लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है? अरे बेस करंट वाला हो गया था। सर चलो ठीक, बहुत प्रॉब्लम है, ओके समझ आ गया। अच्छा एक लाइन छोड़ दे, लिखो कलेक्टर करंट के बारे में दो शब्द लिख लेते हैं, ठीक है ना? लिखो, सिंस कलेक्टर एंड बेस बोथ कंट्रीब्यूट टू एमिटर करंट, सिंस कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल्स, सिंस कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल्स बोथ कंट्रीब्यूट टू एमिटर करंट, क्या लिख सकते हैं बच्चों? IE क्या होगा तुम्हारा, एक लाइन छोड़ के, IE इक्वल टू IB प्लस IC, ठीक है? एक लाइन ऐसे करके लिख लेना, इट कैन बी शोन फ्रॉम KVL टू, ठीक है ना? इट कैन बी शोन फ्रॉम KVL टू, सॉरी KCL। अरे तो पहली बात तो रीजन हुआ तुम्हारा मैथमेटिकल, ठीक है ना, और वैसे जो वर्किंग से आया, ठीक है? क्या ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्लियर हुई सभी को, अंदर भी कैसे हुआ था और बाहर भी कैसे हुआ था, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों बोल दो एक बार, क्या क्लियर हुई, मतलब दो बैटरियां मुझे क्यों लगानी पड़ी, ठीक है ना? अगर यहाँ पर उल्टा लगा देते तो पहली बात ये रिवर्स बायस होता, नहीं चलता, बट यहाँ पर अगर पॉजिटिव लगाया फिर भी मुझे लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाता तुम्हारा डिप्रीशन रीजन बन जाता, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव लगाना पड़ा, छोटा पॉजिटिव लगाना पड़ा, जिससे बच्चों ये टर्मिनल क्या रहे तुम्हारा रिवर्स बायस रहे। रिवर्स बायस क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन टच कर जाएगा माइनॉरिटी कैरियर, तो उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। अरे समझ में, अंदर कैसे करंट फ्लो हुई, बाहर क्या होगा तुम्हारा, जैसे ही यहाँ पर कंबाइन किया वहां पर क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, होल यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रॉन इसमें घुस गया, इससे थ्रू कहाँ पर घुस गया, यहाँ पर, तो इससे क्या हुआ तुम्हारा बेस करंट फ्लो हुई। बेस करंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। फिर जो कलेक्टर में घुस गया था बच्चों, वो बच्चों क्या जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCE घुस गया, और उस समय निगेटिव वाले से निकला इसमें घुस गया, कलेक्टर करंट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोज। आई क्या होगा, आई क्या होगा, IB प्लस IC। अरे यही बात समझ में, ओके। अच्छा देखो, ये वास्तव में बच्चों है क्या, जो मैंने तुमको वर्किंग बताई, वर्किंग डिफरेंट रीजंस की होती है, ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच भी वर्क कर सकते हो, एज अ एम्पलीफायर भी, ठीक है? वास्तव में हो क्या रहा है,
कि अगर बच्चों मैंने क्या किया, मान लो पहले सोचो थोड़ा सा मैंने इंसेंटिवाइज किया, काफी सारे इलेक्ट्रॉन घुस गए थे उसमें, थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया तो नहीं किया था। अच्छा बच्चों पहले आई भी बहुत कम था, करंट बहुत कम थी, क्योंकि बहुत कम ही यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल के कारण बहुत कम ही जा पा रहे थे। अब जैसे थोड़ा सा वोल्टेज लगाया, करंट बच्चों क्या हो गए तुम्हारी आई भी क्या हो जाता, बढ़ेगी क्या? नहीं, पतला है देश से। आई भी बढ़ी, बहुत छोटा तुमने लगाया, आई भी कम बढ़ी, आई सी बच्चों काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी क्या हो जाएगी, क्रॉस कर जाएंगे इसमें। तो छोटी सी आई भी से क्या हुआ तुम्हारा, आई सी में काफी ज्यादा चेंज आया। तो डेल्टा आई सी बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा ना डेल्टा आई भी कंपेरिजन में, अरे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे कि करंट क्या हो गई, एम्पलीफाई हो गई, करंट क्या हो गई, एम्पलीफाई हो गई। अच्छा मान लो इसका रेजिस्टेंस समथिंग है, अरे है ना, आउटपुट का मान लो ये आउटपुट है, आउटपुट का कुछ रेजिस्टेंस भी है, तो अगर करंट एम्पलीफाई हो गई तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर इनपुट। तो ये क्या होगा तुम्हारा, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हो गया, वोल्टेज भी क्या होगा तुम्हारा, एम्पलीफाई हो गया। तो ये वास्तव में क्या है तुम्हारी, एम्पलीफायर की वर्किंग मैंने बताई तुमको, अरे ठीक है। और कौन से मोड में वर्क कर रहा था, इसको एक्टिव मोड कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा एक्टिव मोड के बारे में, अरे ठीक है, सही बात समझिए। ओके लिखो नोट में, ऐसे लिख लेना, वर्किंग तो खत्म हो गई बच्चे, ठीक है लिख लेना। वी हैव स्टडीड वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, वी हैव स्टडीड वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, ठीक है ना। इन दिस केस ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एम्पलीफायर, इन दिस केस ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एम्पलीफायर बिकॉज लार्ज करंट, लार्ज आईसी, आईसी मतलब क्या हुआ बच्चों, आउटपुट, ठीक है ना, लार्ज आईसी ब्रैकेट में आउटपुट करंट, ठीक है ना, कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वेरी स्मॉल इनपुट वोल्टेज, लार्ज आईसी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वेरी स्मॉल इनपुट वोल्टेज, अरे ठीक है। तो इनपुट कहां पर लगाएंगे बच्चों, बेस एमिटर टर्मिनल पर लगाएंगे, और आउटपुट कहां से लेंगे, कलेक्टर से लेंगे। अगर तुमको एम्पलीफिकेशन चाहिए तो कहां से लेंगे, समझ में आया, इनपुट कहां पर लगाएंगे, बेस पर लगाएंगे, और आउटपुट कहां से लेंगे, कलेक्टर पर लेंगे, ठीक है। अभी जब मैं एम्पलीफिकेशन पढ़ाऊंगा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, उसमें यूज होगा ये, और अभी मेजॉरिटी तुम फंक्शन पढ़ भी लीजिए, अरे यही बात समझ में, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन लिख लो, इसी पर बेस्ड है बच्चों, लिखो इन एन एम, बहुत ही आसान है, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर IC is 9 milliampere. IC is 9 milliampere. ठीक है लिखो, इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच कलेक्टर, इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच कलेक्टर, फाइंड एमिटर एंड बेस करंट। अरे ठीक है ना, फाइंड एमिटर एंड बेस करंट करो, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रपोर्शन होगी ना करंट, अरे करंट क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रपोर्शन होती है, जो एमिटर इमिट कर रहा होगा उसका 90% पहुंच रहा होगा,
आईसी दे रखा है, आई ही पूछ रहा बस खत्म हो गया ना। अरे ठीक है। अरे बच्चे तुम्हारा क्या होगा? 10? 10 नहीं होगी, 10 से बड़ा आएगा ना, 10 बाई क्या आएगा? अरे देखो बच्चों ये होगा, आईसी क्या 90% इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं एमिटर वाले, तो मतलब क्या होगा तुम्हारा? आईई जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, सॉरी आईसी जो होगा वो क्या होगा 90% ऑफ आईई, ये होगा। तो आई क्या हो जाएगा, आईसी बाई 0.9 ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आईई, क्या हो जाएगा तुम्हारा आईसी बाई 0.9। अच्छा 10 ही आएगा, 9 बाई 0.9 कितना आ जाएगा उसमें, 10 मिलियन। ठीक है, तो आईबी क्या हो जाएगा बच्चों, आईई माइनस आईसी, इनको मिलता कहां से है यार ये सब बचपन में? मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इन लोगों से क्यूट क्यूट चीजें मिलती हैं, हमको इतना बड़ा देता है वो, देख कर ही देता है, ये ले जाओ तुम्हारी। अरे ठीक है, तुम्हारे जैसे मान लो ये सब भी कूट कूट होते हैं, क्या नाम है, पेंसिल बॉक्स वगैरह, हाँ हमको तो क्या मिलता है, स्टील वाला ले, इससे तो मार्केट भी कर सकते। ओके समझ में आया? ठीक है, हिडन एनोड बच्चे, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अच्छा उसके लिए एक मिनट, हिडन एनोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अभी हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण, जानते हो ना लक्षण कैसे, इनपुट के लक्षण कैसे और आउटपुट के, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान देना, ये बच्चों मैंने बताया था नॉन ओमिक डिवाइस है, तुम्हारा आई और वी के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस वेरी करता है, सिर्फ वोल्टेज पर वेरी करता है। ठीक है ओके, तो देखो बच्चों जब इनपुट का देखना है तो आउटपुट क्या रखोगे, फिक्स, क्या साइमल्टेनियसली आउटपुट भी चेंज करते रहोगे? अरे भाई एक बार में एक ही चीज देखोगे ना, तो जब तुम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हो तो आउटपुट वाले क्या रखोगे, कॉन्स्टेंट, मतलब लिख लो अपने भाषा में इसको। ठीक है, जब हम इनपुट देख रहे होंगे तो आउटपुट क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट, और जब हम आउटपुट देख रहे होंगे तो इनपुट क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट। तो पहला है बच्चों क्या है तुम्हारा, देखो अब इसका सर्किट डायग्राम में बना दे रहा हूं, तो सर्किट डायग्राम बनाओगे यही तुम्हारा एम्पलीफायर में भी बनाऊंगा। ठीक है, कौन सा है बच्चे ट्रांजिस्टर, ये बताओ। हाँ हाँ एनपीएन कैसे, अरे पी से एन जा रहा है ना, मिडिल वाला पी है ना, तो बाकी तो एन ही होंगे। अरे ठीक है, ये क्या बोलते हैं बच्चों, डीसी बैटरी है ना,
परसों क्या बोल दे, बीसीसी हाँ मैंने बताया ना यूज होंगे, इसको ग्राउंड कर देते हैं, जरूरी नहीं ग्राउंड करो, जरूरी नहीं है, बट ज्यादा जगह लिखा रहता है, ग्राउंड करते तो मतलब झटका उड़का नहीं लगता, ठीक है, एक्सेस करंट पहुंच जाती है ग्राउंड में। ओके, ये क्या बच्चों बेस है, ये क्या तुम्हारा एमिटर, और ये क्या तुम्हारा कलेक्टर, यहां पर क्या लेते हैं तुम्हारा कलेक्टर अंडर क्रॉस क्या लेते हैं बच्चों, ये VCE, ठीक है, ध्यान देना, जो मैं क्या लगा रहा हूँ, कौन सिग्नल लगा रहा हूं मैं, जनरली किसका एम्पलीफिकेशन करते हो तुम्हारा, मान लो तुमको म्यूजिक चलाना, म्यूजिक क्या है वास्तव में, हाँ वोल्टेज वेरिएशन है बच्चे, वो देखा है ना तुमने, एक आता है डब्बा, तुम देखो जब बीट्स बढ़ती तैसे से होता है, देखा ना वो करंट के हिसाब से वेरी करता है, अरे देखा ना, अरे डब्बा मतलब क्या, अरे जो तुम्हारा आता है क्या नाम है स्पीकर, हाँ क्या कहते हैं इसको, बेस ही बोलते हैं, बेस तो दूसरा बोलते हैं, बेस तो सिर्फ एक एक टाइप का बीट टाइप का होता है ना वो, अरे यहाँ पर एक ऐसा जलती है लाइट, देखा है कोने में पतली सी, नहीं देखा, अरे जब मान लो हाई बीट होती है तो ऊपर जाता है, और फिर लो बीट होती है तो नीचे आता है, वूफर, वूफर ही है क्या बोलते हैं, हाँ वूफर ही कह दो, अकेला जो आता है ना स्पीकर, हाँ एम्पलीफायर में था ना वूफर, गाना सुना है ना उसमें था वूफर, सुनना यार मतलब, देखा होगा शायद, उसमें करंट होता है तो ऊपर जाता है, फिर जो बत्ती लगती है उसमें है तो होता है, सारे में नहीं आता, कभी रामायण वगैरह हुआ तुम्हारे यहाँ तो लगता है वो काफी तेज से फिर चलने लगते तो ऊपर चला जाता है, धीरे कर देते नीचे आ जाता है, देखा समझ में, तो वही कह रहा हूँ मैं, अरे ठीक है, तो उसको मान लो तुमको एम्पलीफाई करना है, मान लो धीरे धीरे, मान लो तुम कथा कहने बैठ गई, किसी ने सुनाई नहीं सुनाई नहीं देगा, तो क्या करना है, एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा ना तो यहाँ पर वो एसी सर्किट होता नहीं होता, अरे ठीक है वेरिंग सिग्नल होगा उसको एम्पलीफाई करना है, ठीक है, तो ध्यान देना ये इनपुट नहीं है बच्चे, इनपुट ऐसा कहते हैं बेस एमिटर वाला इनपुट है, डेल्टा वीबी क्या होगा वो इनपुट होगा जो वेरी करेगा बेस, पहली बात तो ये भी लगाए हो इसका भी वोल्टेज आएगा, प्लस जो तुम इनपुट किए वो भी आएगा, आउटपुट कहाँ से लोगे बच्चों, कलेक्टर एमिटर वाले के पास, कहाँ से लोगे कलेक्टर एमिटर, यहाँ ये यहाँ तक पहुंचा दो कोई दिक्कत नहीं है, अरे ठीक है दोनों सेम पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर क्या लोगे तुम आउटपुट, अब VCE नहीं होगा बच्चों आउटपुट क्या होगा, डेल्टा VCE होगा, अरे इनपुट करंट जो आउटपुट में वेरिएशन आए ना, वेरिएशन क्यों आ रहा है बच्चों, देखो जो तो सिग्नल होता है उसको रिट्रीव करना है, तुम्हारा बेस एमिटर में जो वेरिएशन आया वही तो है तुम्हारा इनपुट, अरे इनपुट कारण ही वेरिएशन आया ना भाई, जो वेरिएशन है डेल्टा VB वही इनपुट है, और उसके कारण जो तुम्हारा कलेक्टर एमिटर क्रॉस वेरिएशन है वही क्या तुम्हारा आउटपुट है, VCE तो पहले से कुछ था ना, वो थोड़ी आउटपुट है, जो मीटर जो तुम्हारा इनपुट करंट जो आया चेंज वही क्या हुआ तुम्हारा आउटपुट हुआ, ध्यान देना डेल्टा VBE क्या होगा तुम्हारा इनपुट, और डेल्टा VBE क्या होगा बच्चे तुम्हारा इनपुट, और डेल्टा तुम्हारा VCE क्या होगा बच्चे तुम्हारा आउटपुट, ये क्या होगा बच्चों वोल्टेज, और ये भी क्या हुआ वोल्टेज, अच्छा डेल्टा बच्चों आई बी बेस करंट तुम्हारी इनपुट नहीं होगी, इनपुट करंट क्या होगी तुम्हारी, डेल्टा आई बी क्या होगी तुम्हारी इनपुट करंट, ध्यान देना समझ पा रहे हो, वो इन वी इनपुट की वजह से तुम्हारा जो इनपुट करंट में बेस करंट में चेंज आएगा, और डेल्टा आई सी क्या होगी बच्चों इस केस में तुम्हारी आउटपुट, अरे आई बात समझ, ओके छाप लो जल्दी से बना लो, अच्छा ये कैपेसिटर लगाया है, कैपेसिटर क्यों लगाया होगा सोचो, हाँ एनर्जी स्टोर करना है, यहाँ पर एनर्जी थोड़ी स्टोर करना है, तो उसके पास बड़ा स्टेमिना है बोलते ही जाएगी स्टोर नहीं करना है,
सोचियो क्यों लगाया होगा। एसी का, एसी पढ़े हो नहीं पढ़े हो, उससे आता है। जल्दी बनाओ यार, ड्राइंग करने का टाइम नहीं है। क्या क्या मेंशन कर देना, सारे सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सब आते थे, मैंने पहले ही बता दिया। देखो VBE लिखा है ना बच्चों, VEB नहीं लिखा क्योंकि तो बेस वाला क्या होगा, देखो तुम्हारा पॉजिटिव है, और VCE लिखा क्योंकि देखो यहां से देखो कौन सा पॉजिटिव है, कलेक्टर वाला। अरे ठीक है, अगर ये PNP होता तो उल्टा हो जाता, अगर PNP होता ये क्या हो जाता दोस्त, उल्टा हो जाता। बच्चों इधर आउटपुट उल्टा आता है, अभी ध्यान देना, अगर ऐसा यहाँ पर आउटपुट उल्टा आता है, बना लो डायग्राम, बताऊंगा अभी चित्र से क्लियर हो जाएगा। उल्टा आता है मतलब आउट ऑफ फेज रहता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है इनपुट और आउटपुट के बीच। ये भी लिख लेना, डेल्टा जरूर लगाना, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ ये ऐसे बनाना है, ये आउटपुट है। अरे इनपुट आउटपुट नहीं निकलेगा, घुस ही रहेगा उसमें। हाँ ठीक है, लिख लिया। देखो अब वास्तव में क्यों लगाते हैं कैपेसिटर, इनपुट तुम्हारा कौन सा है बच्चों, साइनसॉइडल ठीक है ना, मतलब एसी है। अगर कैपेसिटर नहीं लगाते तो क्या हो जाता बच्चों, मान लो तुम्हारा मेजोरिटी यहां पर क्या होता, तुम्हारे को कौन सा अप्लाई करना है बेसिकली, ये वाला अप्लाई करना है एसी वाला, डीसी वाला अप्लाई नहीं करना है, कौन सा अप्लाई करना है, एसी वाला अप्लाई करना है। अगर यहां पर तुम नहीं लगाते कुछ तो डीसी वाला भी घुस जाता, तो तुम्हारे सिग्नल का इफेक्ट उधर दिखता नहीं ठीक से, तो यहां पर क्या होता है बताया था ना, तुम्हारा एसी वाला ऐसे निकल जाता है ठीक है, और डीसी वाला क्या हो जाता है, तुम्हारा डीसी वाला ऐसे जाता है, डीसी वाले के सामने दीवार आ जाती है। ये सही एक्सप्लेनेशन है, ये बायो वाला एक्सप्लेनेशन, बताओ कैसे। अरे एक्सी क्या होता है बच्चों तुम्हारा, 1/ओमेगा सी, डीसी के लिए ओमेगा क्या होगा जीरो, तो एक्सी क्या होगा इनफाइनाइट। अरे ठीक है, ऐसे नहीं है, कई वीडियो से देखा हूँ सेम नहीं है, कहते हैं डीसी रुक जाता है और एसी ऐसे निकल जाता, तो देखना सच सही में बता रहा हूँ, मजाक नहीं। और बहुत सारे लाइक्स हैं, मेरे 2 व्यूज आते हैं, बताओ मैं बेटर डिजर्व करता हूँ। हो गया, घर की मुर्गी दाल बराबर, सुना है नहीं सुना, लिखो सुनाए कहावत कृष्णा जी, लिखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों क्या होगा तुम्हारा, आउटपुट क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट होगा, ध्यान देना। तो देखो बच्चों आईबी वर्सेस के बीच ड्रॉ करेंगे, पर इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे ठीक है ना। तो मान लो एक आया तुम्हारा VCE की वैल्यू क्या हो गई, मान लो 3 वोल्ट हो गई, दूसरा ग्राफ क्या आएगा बच्चों, मान लो VCE की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 4 वोल्ट हो गई, अरे ठीक है ना, ऐसे ऐसे तुम्हारा आता चला जाएगा।
यहाँ पर देखो मतलब इस पूरे ग्राफ में तुमने क्या रखा है, वीसी क्या रखा है तुमने बच्चों, कांस्टेंट रखा है। अरे वीसी क्या रखा है तुमने, कांस्टेंट रखा है। क्या हुआ? अरे यही तो बोला था, और तुम क्या रखोगे तुम, कांस्टेंट जब इनपुट देख रहे हो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, मान लो एक ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। मान लो यहां से देखो, देखो ये बताएगा इसमें रेजिस्टेंस कौन सा हो, क्या स्टैटिक रेजिस्टेंस हो, क्या नहीं डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा। मान लो वी को तुमने कितना बढ़ाया बच्चों, डेल्टा वी बढ़ाया, कितना बढ़ाया, डेल्टा वी बढ़ाया, तो तुम्हारा आई वी कितना बढ़ा बच्चों, डेल्टा आई वी बढ़ा। अरे बढ़ा नहीं बढ़ा, तो तुम्हारा जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, इनपुट बच्चों ऐसा नहीं कि तुमने देखो, अब जो यहां पर, अच्छा अभी दूसरा बताऊंगा उसमें, यहां पर एक आरबी भी लगाते हैं, अगर जगह हो तो लगा लेना, एक रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर क्यों लगाते हैं, बताया था मैंने रीजन इसका, क्यों लगाते हैं, इससे जले नहीं ना चीजें, करंट क्या हो जाए, ज्यादा ना जाए। अरे ठीक है, तो देखो अब रेजिस्टेंस तो बच्चों क्या होगा तुम्हारा, है तो स्केलर। तो देखो वास्तव में ये वाला जो है, ये तो सिर्फ कौन सा जनरेट कर रहा है तुम्हारा, ये सिर्फ तुम्हारा सेमीकंडक्टर जनरेट कर रहा है इनपुट। अरे सेमीकंडक्टर वाला ही इनपुट रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है ना, ये क्या तुम्हारा डेल्टा वी बी ई बाई क्या है बच्चों, तुम्हारा डेल्टा आई बी, ये है, ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर का इनपुट रेजिस्टेंस है। अरे ठीक है, अब एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, उन्होंने इनपुट क्या मान लिया, पूरे इनपुट क्या मान लिया, उसने आरबी और डेल्टा तुम्हारा जो क्या था तुम्हारा आर इनपुट दोनों को जोड़ दिया है, उसको क्या मान लिया, कंप्लीट करके क्या मान लिया, आर इनपुट मान लिया। ये जो है प्लस तुमने बाहर से भी लगाया, नहीं लगाया बाहर से भी आरबी लगाया ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रजिस्टर तो ऐड हो ही जाएंगे ना। ओके अभी मैं जब एम्पलीफिकेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, दोनों को उसमें ऐड कर दिया है। अरे समझ में आई बात, ये क्या हुआ बच्चों तुम्हारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा क्या होगा तुम्हारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सोचो किसके किसके बीच होगी, सोच के बताओ बच्चों। ये थोड़ा सा ठीक है ना, ना अच्छे समझना इसको, किसके किसके बीच होगी, नहीं मतलब आईसी होगी। अरे ग्राफ डेल्टा वी सी थोड़ी प्लॉट करूंगी, आईसी प्लॉट करूंगी, और क्या करोगे तुम, कॉन्स्टेंट रखोगे इनपुट, तुम्हारा करंट कॉन्स्टेंट रहेगा, बेस जो इनपुट है वो क्या रहेगा तुम्हारा कॉन्स्टेंट। मान लो बेस करंट 0 है बच्चों, ठीक है ऐसा कुछ है। अच्छा बेस करंट 0 होने पर ही बच्चों आईसी कुछ आता है, ठीक असल में होता क्या है, यहां पर बताया था, यहां अगर पॉजिटिव है ना बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये ऑलरेडी अट्रैक्ट कर लेता है इसको, तो कुछ बहता है यहां पर पॉजिटिव है ना, बट वो स्टॉप हो जाता है अल्टीमेटली, क्यों कि अगेन यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहां पर क्या बचेंगे तुम्हारे, हाँ पॉजिटिव वाले क्या बनेंगे तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन हाँ तुम्हारे क्या बन जाएंगे, यहां पर आयंस आ जाएंगे, इमूवेबल आयंस, तो वो क्या करेंगे अपोज करेंगे। अरे ठीक है ना, यहाँ पर इमूवेबल आयंस बन जाएंगे, तो इसीलिए क्या होता है थोड़ा सा करंट बहता है बट बहुत कम होता है। तो यहां पर आता है ऐसा, और फिर आई बी और बढ़ाओगे तो बच्चों आईसी क्या बढ़ेगा, सोचो और बढ़ेगा। अरे आई बी बढ़ाओगे तो बेस करंट और बढ़ा रहे हो तो आईसी और बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आई बी मान लो क्या मान लो, ये माइक्रो एम्पियर में होता है, मैंने बताया था कम होती है बहुत ज्यादा ये, अरे बेस करंट कम होती है ना, मान लो 2 माइक्रो एम्पियर मान लो, और फिर अगर 3 माइक्रो एम्पियर के लिए क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा और ज्यादा होगा,
और फिर 4 माइक्रो एम्पियर के लिए क्या होगा, थोड़ा सा और ज्यादा होगा। ठीक है, नहीं, ये जो ग्राफ खींचा है, ये वाला एक ग्राफ सोचो, एक ग्राफ फास्टेस्ट वैल्यू ऑफ आईबी के लिए खींचा है। अरे ठीक है ना, जब तुम आउटपुट प्लॉट कर रहे हो तो इनपुट क्या रखोगे, फिक्स। अरे ठीक है, अच्छा इसमें एक और लाइन आएगी, बता रहा हूं कैसे आएगी। अच्छा इसमें देखो बच्चों, इस लूप में अगर मैं लिखूं इस लूप के हिसाब से, उसे की नीचे लिख लेना अभी साइड में ग्राफ के, केवीएल लगाऊं तो बच्चों आईसी किधर बहेगी, ऐसे बहेगी नहीं बहेगी बताओ। अरे आईसी ऐसे, आईबी ऐसे, तभी तो बच्चों आई ऐसे जाएंगी, जाएगी दोनों आ रही और एमिटर से जा रही है। ठीक है, अच्छा इसमें यहां से चलो क्या लोगे बच्चों, वीसीसी, और ये क्या बच्चों मान लो तुम आरएल मान लो, इसमें भी क्या बह रही है तुम्हारी आईसी, तो बह रही है ना आईसी, तो घूम जा रही है, तो वीसीसी माइनस आई सी आर एल, नहीं लिखा तो आर एल लिख लेना, और वहां भी आर बी नहीं लिखा। और बच्चों फिर यहां से यहां गए कलेक्टर से एमिटर, तो क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस वी सी ई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ड्रॉप हो रहा है तुम्हारा, कलेक्टर हायर पोटेंशियल पर है, माइनस वी सी इक्वल टू जीरो, तो वी सी ई क्या है तुम्हारा, वी सी सी माइनस आई सी आर एल। अरे आया ना, ठीक है ना, तो केवीएल से बच्चों यहां पर जो ग्राफ बनाया ना, यहां करीब लिख लेना वीसीई क्या हुआ तुम्हारा, वीसीसी माइनस आईसी आर एल, वहां पर आरएल भी लिख लेना ग्राफ में, जो सॉरी डायग्राम बनाया है। अरे ठीक है, अच्छा आईसी बच्चों और वीसीई के बीच अगर मैं ग्राफ खींचू इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से, तो क्या आएगा बच्चों, क्या ये स्ट्रेट लाइन आएगी, नहीं आएगी। अरे स्ट्रेट लाइन आएगी, ओके, कुछ ऐसे आएगी बच्चों, यहां पर क्या है तुम्हारा वीसी, तुम्हारा वीसी क्या है बच्चों, जीरो है, वीसी जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, वीसीसी माइनस आईसीआर बच्चों, आईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, VCC by RL, अरे आ जाएगी, आ जाएगी। बता रहा हूं Q पॉइंट क्या होता है। Q पॉइंट बच्चों लगभग तुम्हारा जो ग्राफ है ना, इसके मिडिल में देखते हैं, ग्राफ क्या है लगभग इसके, इसमें देखते हैं मिडिल में देखते हैं, ओके। सोचो ये बच्चों शुरुआत में बढ़ रहा है, बाद में ऐसे क्यों हो जा रहा है, सोचो अगर वीसी बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को और सक करता जाएगा ना अपनी ओर, बट एक समय ऐसा आएगा एमिटर वाले सारे इलेक्ट्रॉन लगभग कहां पहुंच जाएंगे, कलेक्टर पहुंच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वो सेचुरेट हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारा ग्राफ क्या आ रहा है तुम्हारा, शुरुआत में क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, शुरुआत में बढ़ रहा है बट एक समय बाद क्या हो जा रहा है वो सेचुरेट हो जा रहा है। अरे ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है समझ में, शुरुआत में बढ़ रहा था बाद में क्या हो गया तुम्हारा सेचुरेट हो गया। अच्छा देखो इसके पहले बच्चों बताओ,
अच्छा देखो बच्चों, इसके पहले देखो सेचुरेशन रीजन क्या है, समझो इस बात को। सेचुरेशन रीजन वास्तव में ऑन स्टेट है ट्रांजिस्टर की, स्विचिंग ऑपरेशन नहीं बताऊंगा। अगर बच्चों तुम्हारा वीसीई कम कब, इस रीजन में देखो वीसीई की वैल्यू बहुत कम है, नहीं है। वीसीई कम कब होगा, जब वीसीसी में काफी ज्यादा घटेगा। अब कम ज्यादा कब घटेगा, जब आईसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जब आईसी की वैल्यू काफी ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, लगभग सेचुरेट में आ जाएगा, लगभग सेचुरेशन स्टेट में आ गया होगा ना, इसीलिए बीसीई की वैल्यू क्या कर रही होगी, जीरो को अप्रोच कर रही होगी। अच्छा बीसीई ज्यादा कब होगा बच्चों, जब आईसी कम होगा। आईसी कम होगा तुम्हारा बेस करंट भी क्या होगा, कम होगा, लगभग करंट क्या हो जाएगा, होगा जीरो हो गया होगा, मतलब क्या हो गया होगा, कट ऑफ में आ गया होगा। तो इस रीजन को बच्चों जब बेस कर आईबी के नीचे वाले क्या बोल रहे हो तुम, कट ऑफ बोल रहे हो। अरे आईबी के नीचे वाले क्या बोल रहे हो तुम, कट ऑफ बोल रहे हो। इस रीजन में क्या है तुम्हारा वीसी बच्चों, क्या है तुम्हारा ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आईसी क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा काफी कम रहा होगा, बेस करंट भी क्या रही होगी, कम रही होगी, करंट बहुत कम बह रही है, इसका मतलब क्या उनसे स्टेट है कट ऑफ। शेफाली खुराना किसी किसी को पता है, कोई पेरेंट्स को तो नहीं होगा जानते। अरे ठीक है, थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ यही ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग पढ़ाना है, बस खत्म। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आज खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिख लिया, ओके। अब हेडिंग डाल लेना बच्चों, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। सेचुरेशन क्यों हुआ, क्योंकि आईसी की वैल्यू काफी ज्यादा हो गई, ऐसे ज्यादा हो जाएगा तो लगभग क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेचुरेट हो गया। आईसी काफी ज्यादा फ्लो हुआ तो मतलब करंट क्या हुई, काफी बढ़ गई, लगभग जब मैक्स अचीव कर चुका होगा तो वीसी क्या होगा, लगभग जीरो हुआ होगा। तो इस रीजन में वीसी की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो आईसी मतलब देखो आईसी वीसी क्या है, बीसीसी माइनस आईसीआरएल, तो आईसी की वैल्यू काफी ज्यादा हुई होगी ना, तभी तो वीसी कम हुआ होगा। आईसी की वैल्यू काफी बढ़ गई है, सैचुरेट मतलब मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया ना लगभग आईसी तुम्हारा। हाँ आईबी भी मैक्सिमम पहुंच गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ तुम्हारा, कट ऑफ में क्या हुआ तुम्हारा, अगर आईबी बहुत कम होगा, आईबी के नीचे वाला रीजन, आईबी बहुत कम होगा मतलब क्या होगा तुम्हारा, करंट लगभग निगलेजिबल है, उसके नीचे वाला रीजन क्या होगा तुम्हारा, कट ऑफ रीजन। अरे आई बात समझ, ओके। अब देखो वास्तव में तुम्हारा दो ऑपरेशन है ना बच्चों, कौन सा है तुम्हारा, एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग, दो बताया था। अब अगर मान लो तुमको एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफिकेशन के लिए यहां पर बच्चों लगाना होगा तुमको, क्योंकि अगर यहां पर देखो आईबी से बच्चों आईबी में इतना चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है बच्चों, मान लो 1 माइक्रो एम्पियर का, इसमें माइक्रो में चेंज हो रहा है, इसमें बच्चों आईसी किसमें होती है तुम्हारी, मिली एम्पियर में होती है, लिख लेना। आईसी किसमें होती है तुम्हारी, मिली एम्पियर में। तो आईबी में कितना का चेंज होता है तुम्हारा, माइक्रो एम्पियर का, बट आईसी में कितना चेंज होता है, मिली एम्पियर का। तो ये कौन सा रीजन है, इसमें एम्पलीफिकेशन होगा, इस रीजन में क्या होगा बच्चों, एम्पलीफिकेशन होगा। तो जो इनपुट लगाओगे बच्चों, जो इनपुट वोल्टेज लगाओगे फॉर किसी फिक्स वैल्यू पर लगाओगे, उस वैल्यू पर जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू होगी उसी को बोलते हैं क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट लगभग क्या होगा तुम्हारा, इस लाइन के लगभग मिडिल में लाई करेगा, सुटेबली चूज करते हैं। अच्छा ये तो एम्पलीफिकेशन का हो गया, वो तो इसी बीच में लाई करेगा ना बच्चों, ठीक है ना। अच्छा तुमको स्विचिंग देखनी है, ऑन ऑफ करना है। अगर मान लो तुमने बहुत कम इनपुट लगाया, इनपुट बहुत कम लगाया तो आईबी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लगभग जीरो। तो कौन सा आ गया तुम्हारा, कट ऑफ में, ऑफ स्टेट में आ गया। इनपुट काफी ज्यादा लगा दिया, आईसी की वैल्यू क्या हो गई, बहुत बढ़ गई, तो ऐसे बीच में नहीं आएगा, यहां से डायरेक्टली कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां में आईसी की वैल्यू काफी बढ़ गई। अगर इनपुट लगाया काफी ज्यादा, आईसी की वैल्यू बढ़ गई, तो बच्चों वीवी क्या हो गया तुम्हारा, वीसी क्या हो गया, लगभग जीरो। कौन से रीजन में आ गया, सैचुरेशन रीजन। तो इन दोनों के बीच टॉगल करेगा, तुम्हारा स्विच वाला ऑपरेशन सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच टॉगल करेगा, और तुम्हारा जो एम्पलीफिकेशन होगा
वो कहां पर लगेगा तुम्हारा, इस रीजन में आएगा, बीच वाले। अरे ठीक है ना, ओके। ये मुझे बात समझ में नहीं आई थी जब मेरे मास्टर पढ़ा रहे थे एनआईटी में। अरे आ रही बात समझ में, क्योंकि वास्तव में अगर कोई ढंग का अगर नहीं पढ़ाता, वास्तव में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है कि ये कहां से आ रहा है, क्यू पॉइंट है क्या, क्यू पॉइंट पर लगाते हो, क्यू पॉइंट को बोलते क्यूशेंट पॉइंट, क्यूशेंट पॉइंट मतलब स्टेशनरी स्टिल, उसके रिलेटिव तुम्हारा वोल्टेज बढ़ता है। अरे ठीक है ना, अरे यही बात समझे, दोनों तुम्हारे जो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है दोनों का यूज होगा, तब जाकर तुम्हारा स्विचिंग ऑपरेशन और एम्पलीफिकेशन समझ में आएगा। ठीक है ना, फिर इन डाल लो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, और डायग्राम देखो, डायग्राम जो तुमको बनाना है, डायग्राम उसमें लिख लेना डायग्राम सेम, जो ये बनाया ना डायग्राम लिख लेना डायग्राम सेम, जो इसमें डायग्राम बनाया है वही सेम डायग्राम है, ये वाला नहीं, मतलब ये वाला कह रहा हूँ, ये वाला जो डायग्राम है यही वाला डायग्राम कह रहा हूँ। अरे ठीक है, यहीं पर इनपुट लगाओगे ना, ओके। तो ये जो डायग्राम है वो क्या है तुम्हारा सेम, ओके। देखो बच्चों कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। अच्छा इनपुट वाले के लिए बच्चों तुम केवीएल लगाओ, क्या लिखोगे बताओ, इनपुट में केवीएल के, बच्चों वीबीई निकालो तुम, वही तो था, वीबीई से क्या निकालेंगे तुम, डेल्टा वीबीई निकालोगे ना। अच्छा बताओ केवीएल लगाओ इसमें, क्या लिखोगे, वीबीबी माइनस, इसमें कौन सा करंट बह रहा है बच्चों, आईबी, माइनस आईबी आरबी माइनस वीबीई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। अरे एग नहीं आया, ओके। तो वीबीबी क्या लिख सकते हो बताओ, वीबीई प्लस आईबीआरबी, अरे ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अच्छा जो इनपुट लगा रहे हो बच्चों उससे क्या होगा तुम्हारा, वीबीबी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगा थोड़ा सा, अरे सुपरपोज हो जाएगा। अच्छा इसके कारण तुम्हारी क्या हो जाएगी बच्चों, बेस करंट भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, बढ़ जाएगी, अरे बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो तुम्हारा अगर वीबीबी प्लस वी आई किया तो यहां पर क्या होगा बच्चों तुम्हारा, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा, क्या होगा तुम्हारा, वीबीई प्लस डेल्टा वीबी, और क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा बताओ, प्लस आईबीबी में बच्चे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अरे इधर ही बढ़ेगा ना, वीबीई भी बढ़ेगा प्लस तुम्हारा करंट भी बढ़ेगा। IB क्या लिख सकते हो बच्चों, IB प्लस डेल्टा IB इनको क्या होगा बच्चों तुम्हारा, मान लो ज्यादा वोल्टेज लगाया तो इसके क्रॉस ड्रॉप भी ज्यादा आएगा, नहीं आएगा, कम वोल्टेज लगाया तो क्या होगा, कम आएगा, इसीलिए VBE चेंज हुआ। ठीक है ना, और कलेक्टर पे तुम्हारी बेस करंट भी क्या होगी तुम्हारी, चेंज होगी। अरे आई बात समझ में, इतना लिखो, लिखा अच्छा। अब देखो वीबीबी क्या है बच्चों तुम्हारा, वीबीबी क्या है तुम्हारा, वीबीई प्लस आईबीआरबी, तो ये कर्जे नहीं कट जाएगा, वी 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 क्या हो जाएगा, वी वी प्लस आई वी आर बी कर्जे नहीं कट जाएगा बच्चे, तो क्या बचेगा बताओ, वी इनपुट क्या है तुम्हारा बच्चों, डेल्टा वी बी प्लस डेल्टा आई बी आर बी, अरे है कि नहीं है,
अच्छा डेल्टा वीवी का क्या आएगा बच्चों, सोच के बताओ। अरे तुमने अभी किया था याद है, इसमें डेल्टा वीवी क्या आएगा बच्चों, आर इनपुट इनटू डेल्टा आई वी आएगा, ठीक है ना। ओके तो डेल्टा वीवी क्या आएगा, आर इनपुट इनटू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई बी इनटू आर बी, ये है ना वी इनपुट बच्चों। अच्छा तो क्या लिखोगे वी इनपुट अभी, क्या मैं डेल्टा आई बी कॉमन ले सकता हूँ, डेल्टा आई बी कॉमन लिया तो ये क्या होगा बच्चों तुम्हारा, आर बी प्लस आर इनपुट। अच्छा इसी को एनसीईआरटी में क्या लिख दिया गया बच्चों, अरे भाई इसी को क्या लिख दिया गया है, नेट इंटरनल नेट तुम्हारा इनपुट रेजिस्टेंस, तो मैं इसको आर लिख रहा हूं, आर इनपुट वास्तव में आपका अलग है, ठीक है ना। क्या लिख सकता हूं मैं, डी आई क्या लिख सकता हूं बच्चों, डेल्टा आई बी इनटू क्या लिख सकता हूं मैं आर, ये क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। आया समझ में, ओके। अगर तुमको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ना पता होती ठीक है, तो ये वहां पर वो स्टेप नहीं लिख पाते थे। अच्छा ओके हो गया। अच्छा वी आउटपुट के लिए बच्चों क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा वी सी ही लेना पड़ेगा, मैंने बताया था क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा वी सी वही तो था अभी, लिखवाया था नहीं लिखवाया था, तो क्या करो तुम, तुमको पता है ना वी सी क्या था बच्चों, अभी VCC माइनस ICRC, अरे होगा जब तुमने इनपुट लगाया था इसमें कितना चेंज आया बच्चों, अभी मैं चाहूँ तो लिख दूँ, मैं सेम तरीके से लिख दूँ डेल्टा VCE, अरे नहीं आएगा, और इधर क्या होगा VCC माइनस क्या होगा IC प्लस डेल्टा IC इनटू क्या आएगा बच्चों, RC आएगा क्या, सॉरी आर आर एल मतलब तुम्हारा कलेक्टर वाला ही है, ठीक है आउटपुट साफ साफ मिल गया, इतना मुझसे हो सकता है, वी सी ई प्लस क्या वी सी सी माइनस क्या होगा बच्चों, आई सी प्लस डेल्टा आई सी इंटू क्या होगा बच्चों आर एल, ये आएगा। अच्छा बताओ क्या क्या कट जाएगा, जो पुराना वाला था वो तो कट ही जाएगा, अरे वी सी सी वी सी किसके बराबर था तुम्हारा, वी सी सी माइनस आई सी आर एल, तो डेल्टा वी सी क्या है बच्चों, अरे डेल्टा वी सी क्या है माइनस डेल्टा आई सी इंटू क्या है बच्चों, बस आ गया खत्म। अरे ये क्या हुआ बच्चे तुम्हारा आउटपुट हुआ ना, डेल्टा वी सी क्या हुआ तुम्हारा आउटपुट हुआ, और वो क्या आया तुम्हारा बच्चे इनपुट, अरे हुआ। अच्छा अब इनपुट और आउटपुट को बच्चे क्या कर दो तुम, अगर तुमको वोल्टेज गेन पता करना है क्या करो तुम, डिवाइड कर दो, अरे ठीक है तो लिखो वोल्टेज गेन, लिख लिया वहां तक, लिखो वोल्टेज गेन, अच्छा बच्चों एक चीज तुमको शायद थोड़े से मैंने गलत कर दी है क्या, जो तुम्हारा ये था वी इनपुट डिफरेंट आया था ना, वी इनपुट क्या था तुम्हारा डेल्टा वी बी प्लस डेल्टा आई बी इंटू आर बी था ना, वी इनपुट इस सेम नहीं है डेल्टा वीवी से, हालांकि कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी वजह से चेंज हो रहा है, वी इनपुट तुम्हारा डेल्टा वीवी से सेम नहीं है, लिखा था मैंने, मैंने एक जगह इनपुट कर दिया था उसको, हाँ नहीं वो तो यहाँ पर तुम बात नहीं है, यहाँ पर जो लिखा था ना मैंने तुमने डेल्टा वीवी इनपुट वोल्टेज नहीं है, थोड़ा सा कट कर लिया, डेल्टा वीवी लिखा है ना तुमने,
अरे जहां पर ग्राफ बनाया है वहां पर डेल्टा वीवी क्या लिखा है तुमने? इनपुट वोल्टेज वी इनपुट बच्चे जो तुमने लगाया वो है, वी इनपुट की वजह से क्या होगा तुम्हारा वीवी में चेंज आएगा प्लस इसमें चेंज आएगा। अरे ठीक है, इसमें एक और टर्म आ रहा है, ठीक है आई वो मैंने कंसीडर नहीं किया था, डेल्टा आई बी और आर बी। ठीक है अच्छा, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों। पहला इक्वेशन क्या आया था बताओ, वी आई क्या आया था बच्चों? वोल्टेज वोल्टेज गेन को बच्चों ए भी लिखते हो, एम्पलीफिकेशन वी फॉर वोल्टेज। वोल्टेज गेन क्या लिखोगे? ए भी एम्पलीफिकेशन इन वोल्टेज। बी इनपुट क्या था बच्चों? आर इनटू डेल्टा आई भी था ना, यही था ना। आर क्या था वास्तव में? इनपुट था। ठीक है तो क्या लिखोगे तुम? वोल्टेज गेन लिखोगे ए भी। ए भी क्या लिखोगे बच्चों? वी आउटपुट, वी आउटपुट बाई वी इनपुट। अरे ठीक है, वी आउटपुट क्या होगा बच्चों तुम्हारा? माइनस डेल्टा आई सी आर एल था, और ये क्या था बच्चों तुम्हारा? डेल्टा आई बी इनटू क्या था बच्चों तुम्हारा? आर। ये है क्या तुम्हारा बच्चों? आउटपुट रेजिस्टेंस एक नहीं है, और ये है क्या तुम्हारा? इनपुट रेजिस्टेंस था। अरे ठीक है, क्या हुआ गर्व होने दो। अच्छा ये क्या है बच्चों बताओ? डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी है क्या? करंट एम्पलीफिकेशन है। तो बच्चों ए बी क्या लिख सकते हो तुम? माइनस बी आर एल बाई आर। बीटा क्या है तुम्हारा? अरे बीटा क्या है तुम्हारा? करंट गेन है बच्चों। किसमें? कौन से में? अरे किसमें है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अरे एमिटर कॉमन होगा तभी तो कलेक्टर तुम्हारा आउटपुट होगा, और बेस क्या होगा तुम्हारा? इनपुट होगा। ठीक है अरे आ गया ना। और निगेटिव क्या शो कर रहा है? अभी मैं लिखवा दूंगा इसको। अभी निगेटिव क्या शो कर रहा है बच्चों? हाँ फेस क्या है तुम्हारा? अपोजिट है। अरे फेस क्या है तुम्हारा? माइनस साइन ये कर रहा है कि फेस तुम्हारा इनपुट और आउटपुट का अपोजिट है। याद है मैंने उल्टा बनाया था, रिवी कर। हाँ कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन तो पूरा लिख लेना, सीई मतलब कॉमन एमिटर, सी फॉर कॉमन। हाँ एम्पलीफिकेशन इन वोल्टेज। ठीक है तो लिख लेना, निगेटिव साइन शोज दैट वोल्टेज इज आउट ऑफ, सॉरी आउटपुट सेज दैट आउटपुट वोल्टेज इज आउट ऑफ फेज विद इनपुट वोल्टेज। ठीक है एक बच्चों आता है तुम्हारा पावर गेन। पावर गेन क्या होगा तुम्हारा? सोचो आई स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आई स्क्वायर आर इनपुट। तो बच्चों आई आउटपुट का स्क्वायर बाई आई इनपुट इंटू आर आउटपुट बाई आई इनपुट का स्क्वायर इंटू आर इनपुट। तो बीटा का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारा? आर आउटपुट बाई आर इनपुट आ जाएगा। लिख लिया ये हैंडल ऑफ पावर गेन। पावर गेन क्या होगा बच्चों तुम्हारा? एपी क्या लिखोगे बताओ? टी आउटपुट बाई टी इनपुट, ये लिखोगे नहीं लिखोगे? टी आउटपुट क्या होगा बच्चों? और ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाई आर इनपुट।
फिर ठीक है। ठीक है, एक बच्चों बहुत ही कम इंपॉर्टेंट चीज है, शायद ही पूछा गया है कभी, ट्रांस कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों बताओ? रेजिस्टेंस का उल्टा। अरे ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? आई वाई याद होगा। ट्रांस क्यों बोलते हैं? कि एक इनपुट का होता है, एक आउटपुट का होता है। तो जीएम बच्चों क्या होगा तुम्हारा? इनपुट बच्चों क्या होगा तुम्हारा? डेल्टा, ये यहां पर होता है आईसी बाई इनपुट का वोल्टेज होगा बच्चों, डेल्टा वीवी। अरे ठीक है ना, तो वीसी क्या होती है बच्चों? ट्रांस कंडक्टेंस। जी क्या बहुत ही कम पूछते हैं इसके बारे में, बट लिख लो, नहीं कहोगे नहीं पढ़ाया गया है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसको आई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आ जाएगा बताओ? ये बीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आर इनपुट का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा बाई आर इनपुट, ये हो जाएगा ना। ठीक है, लिख लिया VCE कॉन्स्टेंट। ये लिख लिया बीटा बाई आर एन को। ठीक है, देखो असल में थोड़ा सा अगर मैं ब्रेक कर देता तो ठीक है ना, चीजें काफी लिंक्ड है, तो दूसरे के दिन मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। करंट गेन इन कॉमन बेस, करंट गेन इन कॉमन बेस। अच्छा बच्चों, बेस कॉमन है तो कौन सा तुम्हारा आउटपुट होगा? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अरे बेस कॉमन है बच्चों, तो एमिटर क्या होगा तुम्हारा? इनपुट। और कलेक्टर क्या होगा तुम्हारा? आउटपुट। इसको अल्फा से दिखाते हैं। अल्फा क्या होगा बच्चों तुम्हारा? डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आई। तो देखो बच्चों, डेल्टा आई तो ज्यादा होता है ना हमेशा। अरे आई क्या होता है तुम्हारा? आईसी प्लस आई बी। तो ये अल्फा क्या होगा तुम्हारा? लेस देन वन होगा। जबकि बीटा क्या था तुम्हारा? डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आई बी था, तो बीटा तुम्हारा एक से बड़ा होगा। ठीक है ना, इसलिए देखो वन ऑफ द रीजन क्या है तुम्हारा एम्पलीफिकेशन के लिए, कौन सा यूज करते हो तुम? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ना कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अरे ठीक है, वन ऑफ द रीजंस ये। तो अच्छा, अल्फा और बीटा में रिलेशन बच्चों बताना है तुमको, मान लीजिए तो क्या करोगे तुम? बीटा क्या था? डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। तो उसमें से ई को, डेल्टा आई को हटा देना तो आ जाएगा, तो क्या लिख दोगे तुम? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी, लिख सकता हूँ। अच्छा इससे तो ठीक से आएगा नहीं, क्या करो इसको उल्टा कर दो। वन बाई अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी। तो डेल्टा वन बाई अल्फा क्या हो जाएगा? डेल्टा आई सी बाई वन, और डेल्टा आई बी बाई डेल्टा आई सी क्या आ जाएगा? वन बाई बीटा आ जाएगा। वन बाई अल्फा क्या आ जाएगा? वन प्लस वन बाई, या इसको कर सकते हो बीटा इक्वल टू अल्फा बाई अल्फा माइनस वन, ऐसा भी आ सकता है। तो बीटा क्या आएगा बच्चों तुम्हारा? ग्रेटर देन वन आएगा। अल्फा एक से छोटा है, अल्फा को एक से छोटा, ठीक है, अल्फा अपॉन वन माइनस वन फाइव, एक से छोटा है ना अल्फा, तो वन माइनस वन फाइव देख लेना, वन माइनस अल्फा अपॉन, हाँ ये अल्फा बाई वन माइनस वन। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उसमें अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है।
अरे लिख लिया बच्चों, ठीक है ना। मैं तुमको ट्रांजिस्टर एज ए स्विच समझा दे रहा हूं, लिखना नहीं है। अरे ठीक है, उसके बाद दो क्वेश्चन है छुट्टी, दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, उसके बाद छुट्टी है तुम्हारी। अरे यार तुमको वो नहीं पढ़ाया मैंने, जीनर डाले। चलो नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, छोटा सा है। ओके चलो, तो क्वेश्चंस भी तुमको नेक्स्ट क्लास में ही करा दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ लिख लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सॉरी, ट्रांजिस्टर एज स्विच, ट्रांजिस्टर एज स्विच, ट्रांजिस्टर एज स्विच। वास्तव में उसका पार्ट था, क्या नाम है, मुझे ये पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना पड़ा। जाहिर सी बात, देखो चीजें सारी कनेक्टेड है, नहीं तो अगर तोड़ तोड़ कर पढ़ाते तो नहीं होता। ओके देखो, स्विचिंग में बता दिया तुमको, ये ग्राफ यहाँ पर आओ, किसकी बीच टॉगल करता है बच्चों, तुम्हारा सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन की बीच। तो लिख लो, इफ वी इनपुट इज, उसमें ऐसे लिख लेना, सिर्फ ऐसा लिख लेना, वी इनपुट अगर बच्चों क्या है, हाई है, तो आई बी क्या होगा तुम्हारा, हाई होगा। आई सी भी क्या होगा तुम्हारा, हाई होगा। अरे आई सी क्या होगा तुम्हारा, हाई होगा। इसका मतलब कौन सा रीजन है बच्चों तुम्हारा, सैचुरेशन रीजन। अरे ठीक है ना। और अगर तुम्हारा क्या है मतलब क्या है, कौन सी स्टेट है बच्चों, ये ऑन स्टेट है, क्या ये ऑन है, ठीक है। और अगर मान लो उल्टा कर दो, बी इनपुट क्या हुआ बच्चों, लो हुआ, तो आई बी क्या हुआ तुम्हारा, लो हुआ। आई सी भी क्या हुआ तुम्हारा, लो हुआ। कौन सा रीजन आएगा बच्चों, कट ऑफ। और ये कौन सी स्टेट होगी, ऑफ स्टेट होगी, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का वर्किंग था, ठीक है। छोटा सा तुम्हारा जीने डायोड बचा हुआ है, ठीक है, और इससे क्वेश्चंस बचे हुए, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। मिस मत करो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा इसको, मंडे को है तुम्हारी। अभी के लिए तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेना अपना, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर। अभी के लिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने कह रहा हूँ, संडे को जब एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद जाना, शाम को छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। हो गया, केवीएल वगैरह ही लगाना होगा दोस्तों, उसमें कुछ नहीं लगाना हो, केवीएल वगैरह ही लगाना हो, क्वेश्चंस कर सकते हो तुम अपने आप से। जैसे यहाँ पर इनपुट में केवीएल लगाया था और आउटपुट में केवीएल लगाया, तो उसमें वही करना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। मैं पूछूंगी कर सकते हो, बट अभी मत करना, उसके बाद ट्रांजिस्टर क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अभी जीने डायरेक्ट क्वेश्चन मत करना, बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो कर सकते हो। थैंक यू।